بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. आप सबको खुश आमदीद जी. QC 5 के आज का हमारा आखिरी दो अस्वाक हैं और इसके साथ हमारा इंशाल्लाह QC 5 कंप्लीट हो जाएगा. राइट, इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. तो फिर उसके बाद हमारा एक सेशन होना है रिवीजन का, जिसमें हम पूरे कोर्स की रिवीजन करेंगे और फिर फाइनल क्विज इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह सर. आज के हमारे दो असबाक हैं सफा नंबर 20 का इशारा सी और डी. 20 सी के जो इशारे में आयात हैं, आयत नंबर 139 और 140 हैं. हमने कोर्स टू से पहला पारा पढ़ना शुरू किया, इब्तदाई 5 सफात कोर्स टू में थे, फिर QC 3 में दूसरे 5 सफ़े और इसी तरह QC 4 में तीसरा क्वार्टर था और अब हम QC 5 में कंप्लीट कर रहे हैं. तो ये 20वां सफ़ा चल रहा है, इसके इशारे जो हमने पढ़े हैं इसमें सफ़े के इशारात हैं, हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा. तो ये दो इशारे हम कवर कर चुके हैं. आज के इशारे हैं अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए. हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाए तुम जैसा तो. अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए. मुख्तसर इशारे यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम. यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम. तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, पिछली आयतों से ताल्लुक क्या है जी? के अल्लाह ने आले किताब से खिताब करते हुए उन्हें हक की तरफ लौट कर आने की दावत दी थी. अब यहाँ उसी खिताब को आगे जारी रखा गया है अल्लाह की जानिब से. दीन पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है. ये मामला डायरेक्ट अल्लाह से मुताल्लिक है. ये हमारे लिए सबक है, इसमें मुखलिस होकर अल्लाह के लिए काम किया जाए. और यहूदियत और नसरानियत बाद के लोगों ने इजाद की है. अंबियाए किराम तो हकीकत में मुस्लिम ही थे, यानी वो अपने आप को इस तरह के टाइटल्स के साथ जो है वो तारुफ नहीं रखते थे, ना करवाते थे. नए अल्फाज की अगर हम बात करें तो सिर्फ दो नए अल्फाज हमें मिलेंगे इन दो, एक पूरी आयत और दूसरी आयत के कुछ हिस्से में. तिलावत से हम शुरू करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. सदाकल्लाहुल अज़ीम. आप कह दीजिए क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वो हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी है. हमारे लिए हमारे अमल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम तो उसी के लिए खालिस हैं, इखलास से काम करने वाले हैं. लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा देखिए. कुल कह दीजिए, अतुहाजूना ना, ये है आ तुहाजूना और ना, तीन अल्फाज का मजमूआ है. आ का माना क्या? तुहाजूना, तुम सब झगड़ा करते हो. ना हमसे, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, वह हुआ रब्बुना, वो यहाँ पर हालांके वाला माना दे रहा है. हालांके हुआ रब्बुना, वही हमारा रब है. व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब भी है. वलाना, और हमारे लिए, वाला और ना, तीन टुकड़े. अमालुना, हमारे अमल.
वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे अमल हैं, वनहनु और हम सब, लहू उसके लिए, मुखलिसून, मुखलिस जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं कि इखलास के साथ अमल करने वाले हैं, ताल्लुक रखने वाले हैं, तो हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। ठीक है जी। बेसिकली अगर तर्जुमा लफ्ज होता वनहनु मुखलिसून लहू, तो तर्जुमा हम सादा करते और हम उसके मुखलिस हैं, हम मुखलिस हैं उसके लिए, लेकिन लहू को पहले लाए हैं, वनहनु लहू मुखलिसून, इसलिए तर्जुमे के अंदर स्ट्रेस नजर आ रहा है आपको, और हम उसी के लिए खालिस हैं। जुमला इस्मिया के अंदर आमतौर पर तर्तीब यह है कि पहले मुबतदा आ जाए, उसके बाद खबर आए, और फिर कोई एक्स्ट्रा चीज है तो वो आए। तो यहाँ पर नहनु मुबतदा है और मुखलिसूना खबर है, लहू जो है ये खबर की मजीद एक एक्सटेंशन कह लें। तो ये एज पर रूल अगर बनता तो ये ऐसे होता कि मुखलिसून पहले आता, लहू बाद में होता, लेकिन उसको पहले ले आए हैं स्ट्रेस पैदा करने के लिए। यानी जिस चीज को आम और जनरल तरतीब और रूल के मुताबिक बाद में होना चाहिए, उसको अगर पहले ले आए तो ये तरतीब का बदलना भी जिस चीज को पहले ला रहे हैं उसके अंदर ताकीद का मफहूम पैदा कर देता है, इसलिए हम तर्जमा कर रहे हैं और हम उसी के लिए खालिस हैं। तो इन आयात में भी और पिछली आयात में भी अल्लाह ने अलग अलग तरीकों से इस्लाम की दावत दी है, उन्हें समझाया है और बिल्कुल साफ अंदाज में इस्लाम को पेश किया ताकि वो हक की तरफ लौट आए। क्योंकि बात यहाँ पर किसको एड्रेस किया जा रहा है, यहूद और नसारा को, कि उनकी किताबों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में वाज़े निशानियां मौजूद थी, वो जानते तो थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन और दावत लेकर आए हैं ये बिल्कुल हक और सच है, लेकिन अपनी जिद और हठ धर्मी की वजह से मान नहीं रहे थे, तो इसलिए अल्लाह ताला उनको लौटने की बात कर रहे हैं, उनको वापस आने की, हक की तरफ आ जाने की दावत दे रहे हैं। तो हमारे लिए कुरान में दावत और तबलीग की और बात को पेश करने की बेहतरीन ट्रेनिंग मौजूद है, हमें ये ट्रेनिंग और अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके पर दीन की दावत दे सकें। दीन इस्लाम को मानना और उस पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है, और ये मामला बराह रास्त अल्लाह से मुताल्लिक है, वही हमारा भी रब है और आपका भी रब है। रब क्या है कि हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है, तो फिर हम कैसे उसके मुताल्लिक लापरवाह हो सकते हैं। यानी दुनिया में कोई शख्सियत, कोई जात हमारे जरूरतों का ख्याल रख रही हो तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी तरफ से हमें इतना नवाजा जाता है तो हम उसके जो है वो मंशा के मुताबिक और उसकी चाहत के मुताबिक हम भी काम करें। तो वो रब जिसने हमें जिंदगी दी, पैदा किया और इस दुनिया में रहने के मौके दिए, ये सारी की सारी चीजें उसकी दी हुई हैं, तो हमें उसके मुताल्लिक भी बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारे सब कामों के जिम्मेदार खुद हम हैं, यानी लना आम, हमने अब जो अमल किए हैं उन अमाल की वजह से ही हमारे साथ जो भी मामलात हैं, और अल्लाह के मुताल्लिक हमें मुखलिस होना चाहिए, यानी इखलास कर, इखलास के साथ हर अमल हो, हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो, ना ही किसी का खौफ होना चाहिए, ना ही कभी नाम या शोहरत या किसी की तारीफ की फिक्र होनी चाहिए कि मैं ये काम करूं तो मेरी तारीफ की जाए, और अगर तारीफ ना की जाए तो परेशानी हो। ये चीजें हमें अपने अंदर से खत्म करनी चाहिए। इसका मतलब ये मतलब भी है कि हम अल्लाह के रास्ते में घटिया चीज या सिर्फ बचा हुआ वक्त खर्च ना करें। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, जो चीज हमारी जरूरत की नहीं रही कि हमने उसको जो है वो हमारी नजर में वो कमतर चीज है तो हम उसको उठा कर कहें कि ये अल्लाह के रास्ते में दे दें, अल्लाह के नाम पर दे दें, ये नामुनासिब अमल है। ऑल्दो चीज का दे देना जो है वो जिसको दी जा रही है उसके लिए तो वो मुफीद है और वो उससे काम उसके काम आ सकती है, लेकिन हमें लेवल ये रखना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर चीज और बेहतर से बेहतर वक्त जो है वो खर्च करें। ठीक है जी। चौथे पारे के शुरू में अल्लाह ने इसी मजमून को बयान फरमाया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के कामिल दर्जे पर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उन चीजों में से खर्च करो जिनसे तुम्हें मोहब्बत है, जिन चीजों की तरफ रगबत है उसको खर्च किया जाए। और वक्त बेहतरीन खर्च करना है तो बेहतरीन वक्त इंसान की जिंदगी का गोल्डन पीरियड होता है जवानी, इसीलिए जो है वो
अल्लाह ने 7 लोगों को कहा है कि उनको अर्श का साया नसीब होगा, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। उनमें से एक कैटेगरी उन लोगों की भी है कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया शाबुन नशा अफी इबादतिल्लाह, के वो जवान जिसकी जवानी और जो है वो अल्लाह की इबादत करते हुए गुजरी, इसलिए अपना प्राइम टाइम जो है वो अल्लाह के लिए और अल्लाह के ताल्लुक से हमें खर्च करना चाहिए। और दिन के औकात को भी अगर हम जो है वो करें तो उसमें भी हमारा जो बेस्ट टाइम है जिसमें हम फुल एनर्जेटिक होते हैं, उस टाइम में अपने जो है वो इन कामों को करें कि जो हमें अल्लाह के करीब करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए इन आयात को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، कह दीजिए क्या तुम हमसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही है हमारा रब और तुम्हारा रब। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए हैं हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, और हम उसी के लिए खालिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत का ये आधा हिस्सा इसमें पढ़ लेते हैं, अगला हिस्सा बाकी अगले सबक में आ जाएगा। أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ صدق الله العظيم। क्या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब ये सब के सब यहूदी या नसरानी थे? आप कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है। तो अम तकुलूना, अम माना क्या, तकुलूना तुम सब कहते हो, इन्ना बेशक इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक व याकूब अवल असबाक, ये सारे हम अंबिया के नाम हैं और असबात के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सिब्त की जमा है असबात। वैसे तो ये नस्ल और औलाद को कहा जाता है, लेकिन इस तरीके से जब इस तरतीब में अंबिया के नामों के बाद आए तो इससे मुराद आमतौर पर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद होती है। कानू वो सब थे, हूदन यहूदी अव नसारा या नसरानी। कुल आप कह दीजिए, अंतुम क्या तुम सब, आलमु ये आलमु कौन सा है, ये वाला आलमु है या कोई और आलमु है? जी तफजील वाले हम जी ये तफदील वाला आलमु है, ज्यादा जानने वाला, ठीक है। वैसे आलिमा यालमु से यालमु यालमूना तालमु आलमु वो भी यही है, लेकिन इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये यहाँ पर कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है, अंतुम आलमु। क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट कैसे बता रहा है कि मुखातब से कहा जा रहा है क्या तुम, तो फिर तो होता तालमूना, अगर फेल वाला होता तो फिर ये तालमूना होता, ये आलमु आया है, इसी से हमें हिंट मिल रहा है कि ये आलमु वो फेल वाला आलमु नहीं है, बल्कि ये इसमें तफदील वाला है, आलमु ज्यादा जानने वाला, अमिल्लाहु या अल्लाह। तो यहूदियत और नसरानियत इन अजीम नबियों के आने के बाद ईजाद की गई है, वरना इन अंबिया किराम का दीन तो इस्लाम यानी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना था। उन्होंने आकर एक ही दीन की और एक ही बात की दावत दी। आलमु क्या तुम अल्लाह से ज्यादा जानते हो, ये अल्लाह की जानिब से एक जबरदस्त ऐलान भी है और गोया तंबीह भी है। इस जुमले के अंदाज को जरा समझें, जैसे आपसे छोटा या कम इल्म वाला आपसे किसी बारे में बहस कर रहा हो जिसमें वो गलत हो और आप उसमें दुरुस्त बात को जानते हो, और वो बार बार एक ही बात पर इसरार करता चला जाए, तो आप उसको आखिरी बात कहते हुए उसको जो चुप करवाते हैं तो वो ये कहते हैं तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है। तो ये इस टाइप का हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इतनी सारी दलीलें देने के बाद भी गोया उनके दिलों में अब भी यही चल रहा है कि नहीं, तो अल्लाह ने गोया एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन के तौर पर अल्लाह ने कहा कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है। तो कोई जिद्दी ही इंसान होगा जो इतनी वाजे और मौसर बातों का भी
इनकार कर दे और इसके बावजूद अपनी जिद और हठधर्मी पर अड़ा रहे। अल्लाह ताला हम सबको सही और दुरुस्त हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए जी आयत, इस आयत को भी एक मरतबा तर्जमे के साथ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، क्या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब والأسباط كانوا هودا أو نصارى और उनकी औलाद वो सब के सब थे यहूदी या नसरानी। قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो या अल्लाह। तो तर्जमा हम देख चुके हैं, असबाब को एक बार फिर देख लें कि दीन पर अमल करना ये है असल मतलूब, अल्लाह ने हुक्म दिए हैं उन अहकाम को पूरा करना ये अल्लाह की तरफ से रिक्वायर्ड, और यहूदियत और नसरानियत बात के लोगों ने ईजाद की है, अम्बिया तो सिर्फ सच्चे मुस्लिम थे। या कुछ स्लाइड गड़बड़ कर रही है जी, एक सेकंड जरा होल्ड रखिए। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मुखलिसीन यानी मुखलिस बंदों में से भी शामिल फरमा और मुखलसीन यानी अपनी तरफ से चुने हुए बंदों में से शामिल फरमा, आमीन। और इसके लिए हम अपनी ज़िंदगी में प्लान बनाएं कि हम अपनी ज़िंदगी को जब भी मुमकिन हो अपनी नीयत को चेक करते रहेंगे और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे ताकि हम मुखलिस भी हों और मुखलस भी बन जाएं। अस्मा और अफाल देख लीजिए, आमाल ये जमा है और इसका वाहिद है अमल, और आलम जो है ये इसमें तफदील है आलिम से, आलम ज्यादा जानने वाला। अफाल में काला आला यकूलू, आला हर दूसरी लाइन में हमें नजर आता है और काना इसके अलावा नजर आ रहा है, और मजीद फी में तो हा जूना ये एक तरह से नया है। हा जीम और जीम मादे के हरूफ हैं और इसका टेबल बनाया गया है हा जाजा हा सबा वाले पैटर्न से, तो असल में बना था हा जाजा यु हा जीजू हा सबा यु हा सिबू की तरह, लेकिन चूंकि दो हरूफ एक जैसे आ गए हैं तो दोनों हरूफ को मर्ज कर दिया, इस वजह से ये बन गया फिर हाजा युहाजु हाजा युहाजु जी। मिसेस खालिद सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम, अगर ये आलिमून आए या आलिमीन तो वो जमा नहीं हो सकता फिर, किसकी आलिमून का आलिमीन आ जाए या आलमून आलिम की जमा, आलिम की जमा जो है वो आलमून तो नहीं हो सकती ना, अच्छा, आलिम यही हो कहते गया। हैं आलिम आलिम कहते हैं जानने वाला, और आलमीन का क्या तर्जमा पढ़ा है हमने, तमाम जहान जहान, तो वो एक अलग चीज है। आलम लाम की जबर के साथ और है, आलिम लाम की जेर के साथ और चीज है। तो आलिम की ठीक जमा अगर बनाएंगे तो वो बनेगी या तो आलिमून या आलिमीन या उलामा, है अच्छा ठीक और है आलमून या आलमीन है तो उसका फिर जो वाहिद होगा वो आलम होगा, वो आलिम लाम की ठीक जेर है के ठीक साथ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये हाजा का टेबल समझ में आ गया जी, असल में हाजजा था, फिर उससे हाजा यु हाजु हाजिज
मुहाज्जुन मुहाज्जुन और मुहाज्जतुन, यहाँ पर भी इस्म फाइल और इस्म मफूल दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं हमें। तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे, जो हमने मर्ज किया हुआ है उसको खत्म करेंगे, तो ये हमारे सामने अपनी असली शक्ल में आ जाएंगे, मुहाजिजुन मुहाजजुन, मुहाजिजुन और मुहाजजुन। लेकिन चूंकि मर्ज करना जरूरी है तो इसलिए यहाँ पर ये मुहाजुन एक जैसे नजर आ रहे हैं। मुखलिसून, ये असलमा के पैटर्न से अखलसा युखलिस अखलिस, मुखलिस मुखलस इखलास, खालिस करना। तो इसके साथ हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ जी कुरान में से। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जल्दी से देख लें कि कौन कौन से आए हैं जुमले या जोड़ियां कोई आई हुई हो, तो जी तो हाजूना ना, इसको हम जुमला फेलियत के तौर पर ले सकते हैं। तो हाजूना ना, ये जुमला जी फेलिया बन सर, सकता है। जी जुमला फेलिया सर बन जी सकता इसमें फेल का है। बनाएंगे तो हाजूना, हाजूना में जो वाव है वो इसका जमीर बन जाएगी, वो फाइल बन जाएगा, फाइल फाइल इंटरोगेटिव भी है बन ना, जाएगा। सवालिया भी है, इंटरोगेटिव। आ को छोड़ दें ना, आ को छोड़ दें, इसको साइड पे रख दें, सिर्फ इतने को लें, तो हाजूना ना। अब इसमें ये हो गया फेल, और ये जो वाव है ये इसका फाइल हो गया, और ये क्या होगा ना, मफूल मफूल बिही, मफूल समीर, मफूल मफूल भी बिही, बन गए, मफूल बिही बन गए। ठीक है, तो ये जुमला फेलिया एक हो गया, और जुमला फेलिया इसमें सर। वहू रब्बुना, वहू रब्बुना, या हुआ हुआ रब्बुना। रब्बुना, हुआ वाव को भी अगर हटा दें तो हुआ रब्बुना, जुमला इस्मिया है, बिल्कुल दुरुस्त। लना अमालुना, ये भी जुमला वलना, इस्मिया है जी, लना अमालुना, ये भी जुमला इस्मिया है, लेकिन यहाँ तरतीब थोड़ी सी उलट हो गई है, कि लना जो है ये खबर है जो तो पहले आ गई है, इसको कहते हैं खबर मुकद्दम, और अमालुना जो है ये सदा मुक्तदा, मुअख्खर हो गया। मुकद्दम और मुअख्खर तो मालूम है ना किसको मोहर कहते हैं, जी, मुकद्दम जो पहले हो और मुअख्खर जो बाद में हो। ये ताल्लुक की जोड़ी बनेगी सर, कौन सी? जुमला इसमें बन। नहीं, इसमें एक्चुअली जोड़ियां हैं, एक लना जो है ये जार मजरूर है, और ये ताल्लुक की जोड़ी है आमालुना। तो ये आमालुना जो है ये मुब्तदा की जगह पर है और जार मजरूर खबर की जगह पर है। ये बात हमने शायद कर चुके हैं पहले भी, नहीं हुई तो आज इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जोड़ियों में से कौन सा मुब्तदा बन सकता है और कौन सा खबर बन सकता है, किसका मुब्तदा। उसमें से एक बात जहन में रख लें कि जार मजरूर की जोड़ी जो है वो मुब्तदा कभी भी नहीं बनती, जार मजरूर की जोड़ी कभी भी मुब्तदा नहीं हो सकती। तो इसलिए लना आमालुना में फिर इसको हम कहेंगे कि ये खबर पहले आ गई है और आमालुना जो है वो मुब्तदा बाद में है। सेम इसी तरह लकुम आमालुकुम बनेगा, और नहनु मुखलिसून लहू, इसको तो एक्सप्लेन कर दिया था कि नहनु मुब्तदा है, मुखलिसून खबर है, और लहू जो है ये एक एक्सटेंशन है खबर की। ये इन्ना से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है ये इन्ना वाला जुमला हो सकता है, तो इब्राहिमा जो है ये इस्मो इन्ना हो जाएगा, और ये इस्माइल और इसहाक याकूब और अस्बाब, ये सर, ये सबके अम सब। जी तकुलूना क्या है? अम तकुलूना अच्छा, सर, ये कोई फेलिया नहीं है, जुमला फेलिया। ये जुमला फेलिया बनता है, लेकिन काला वाला जो फेल है ना इसका एनालिसिस जरा एक स्पेशल अंदाज में होता है, तो इसलिए हम काला वाले अफाल को फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हम इंशाल्लाह किसी सिक्स में जब जाएंगे ना, डिटेल्ड एनालिसिस किया करेंगे आयात का, तो वहां जब जब काला आएगा तो उधर इंशाल्लाह इसको तफसील से देखेंगे। बनता तो जुमला फेलिया ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है आम जुमला इस्मिया से और जुमला फेलिया से। तो अब इन्ना के बाद इब्राहिम आया, ये इन्ना का इसम बन गया, उसके बाद आगे इस्माइल इसहाक याकूब और असबाब, ये सब आ रहे हैं लेकिन वाव के साथ आ रहे हैं।
जी हम कहेंगे कि इन्ना का इस्म तो इब्राहिम है, बाकी सब जो है वो इसके ऊपर अतफ हो रहा है। अतफ की बात कर चुके हैं हम पहले, अतफ। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। तो अब यहाँ इन्ना इब्राहिमा व इस्माइला, वाव के बाद जाते रहे, इस वाव को कहते हैं ये हर्फ अतफ है, और इसके बाद जो आ रहे हैं ये सब पीछे वाले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस किस कनेक्शन को खास तौर पर जो है वो नाम दिया जाता है अतफ, अतफ। या आप इसको दूसरे अंदाज से लें तो वो ये भी हो सकता है कि इन्ना के बाद इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और असबात, ये सब के सब जो है वो इन्ना का इसम बन रहे हैं। और कानू हूदन अव नसारा, ये काना वाला जुमला जो है वो इन्ना की खबर बन खबर जाएगा। बन कानू हूदन अव नसारा, ये काना वाला जुमला है और ये पूरा जुमला इन्ना की खबर बन जाएगी। ठीक है, अंतुम सर जुमला इसमें हो गया। जी हाँ। अंतुम आलमु, ये जुमला इस्मिया हो जाएगा, अंतुम मुब्तदा और आलमु खबर। ठीक है जी, चले जी, ये हमने क्विकली देख ही लिया। अब चलते हैं ग्रामर की तरफ, और इस सबक के साथ जो ग्रामर है वो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त वाली ग्रामर है, जो पूरे आप पहले जिक्र कर चुके हैं। स्लाइड्स तंग कर रही है। आप क्या कह रहे हैं नसीम साहब? मैंने कहा था इसका जिक्र एक दफा पहले कर चुके हैं। इसका, इस ग्रामर का जी सर। सर वो एक क्वेश्चन था कि ये फिल्ला के बाद जो हमने वहुआ कहा है कि हालांकि इसका पॉइंट जरा कि ये हालांकि हम क्यों इसको कहते हैं और की जगह। वाओ जो है ना, ये बेसिकली तीन मानों में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। एक वाओ का माना है और, जो कॉमन माना है, ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक वाओ जी का माना है कसम, कसम 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 वाला वाला, उसकी पहचान ये, हालांकि उसके उस कसम कसम वाले की पहचान ये है कि उसके शुरू में बाद वाला आता है, शुरू में आता है ना। शुरू में भी आता है और दरमियान में भी हो सकता है, लेकिन अच्छा असल पहचान उसकी ये है कि उसके बाद वाला जो इसम होगा वो हालत जर में होगा, क्योंकि वाओ अच्छा हर्फ जर है। वल आसरी, वल फजरी, वल लैली, सर ठीक अल है। भी इसकी है कि अल भी आ सकता है कि वाओ के बाद अल आ रहा है तो वो कसम होगा। नहीं, वो जरूरी बदले नहीं है, अच्छा ठीक जरूरी नहीं है कि कसम के लिए वाओ के बाद अल जरूरी हो, ठीक है। और ठीक तीसरी सूरत है ये वाव की, कि ये वाव हालांकि वाला माना बताता है। वो जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना, हाल बता रहा है, जी हमने वो पढ़ा ना, जो लफ्ज हाल, हालत बता रहा हो, अंदरूनी है, बाहर जाहिरी हालत, तो वो नसब की हालत में होता है। तो वो तो हमने अच्छा बात की है, सिंगल सिंगल एक अकेला इसम होगा जब, तो तब वो नसब की हालत में होगा। कभी कभार ये हालत बताने वाला जो है ना, ये एक लफ्ज नहीं होता बल्कि जुमला हाल बता रहा होता है। जैसे यहाँ पर आया ना, हुआ रब्बुना, ये पूरा एक जुमला इस्मिया है। ये पूरा जुमला ठीक इस्मिया जो है, ये पीछे जो अतुहाजुनना फिल्लाही है, उस अल्लाह ही की जो है वो हालत बता रहा है। हाल अच्छा तो ये है कि अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, फिर भी तुम हमसे झगड़ा करते हो उसके बारे में। तो जब जी ये हालत बताने के लिए कोई जुमला आ रहा हो, तो उससे पहले अगर वाह हो तो वो हालांकि का तर्जुमा किया जाए। सही ठीक ठीक है, है ठीक है थैंक अच्छा यू। जी। इस ग्रामर में हमें पढ़ना है जी गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ में हमने इसम के बारे में असल जो सूरतें पढ़ी हैं, बेसिकली कि इसम जब आता है तो वो तीन हालतों में आता है, रफा, नसब या जर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, हमने बदलती हुई हालतें देखी। मुस्लिमुन दम्मा के साथ है, मुस्लिमन फतहा के साथ, और मुस्लिमिन कसरा के साथ। इसी तरह अगर ये हो अल के साथ, तो अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, दम्मा फतहा और कसरा बदल रहे हैं। मिसालें हमने पढ़ी, जा आ मुस्लिमुन,
रआ ज़ैदुन मुस्लिमन और समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन। जाअ मुस्लिमुन रआ ज़ैदुन मुस्लिमन समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन। तो ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ दिलचस्प इस्तिस्नाआत हैं। एक्चुअली इनको इस्तिस्ना नहीं कहना चाहिए, ये बेसिकली ये रूल है, लेकिन अभी तक हम इसको इस्तिस्ना के तौर पर ले रहे थे। कई दफा इब्राहिम की बात आई, आपने कहा कि इब्राहिमी क्यों नहीं है, इब्राहिमा क्यों आ रहा है, तो उस चीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्लाहु गफूरुन तनवीन के साथ है, लेकिन अल्लाहु अकबरुन नहीं है, तनवीन नहीं है, हालांकि शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है। और ये कोई तनवीन ना होने की हमने दो वजूहात पढ़ी हैं। एक तो ये पढ़ा हमने कि शुरू में अलिफ लाम अगर हो तो फिर किसी इसम के आखिर में तनवीन नहीं आएगी। तनवीन ना होने की दूसरी वजह क्या हो सकती है? की जोड़ी का पहला इसमें ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम अगर होगा तो उस पर भी तनवीन आखिर में नहीं आएगी। ये दो बातें पढ़ी हैं। अब अकबरू में ये दोनों बातें नहीं है, ना तो शुरू में अल आ रहा है और ना ही ये ताल्लुक की जोड़ी बन रही है, उसके बावजूद इसके आखिर में तनवीन नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इस तरह की चीजें हमें नजर आती हैं कई दफा। और दूसरा इब्राहिम दुरूद में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा। अला हर्फ जर के बाद इब्राहिमी नहीं पढ़ रहे, तो ये इसमें क्या हुआ कि जेर नहीं आ रही, कसरा नहीं आ रही, इब्राहिमी कसरा नहीं है, फतह आ रही है। तो ये दो तरह की जो है वो एक्सेप्शन और इस तरह की चीजें जो हमें नजर आती हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ खास किस्म के अल्फाज ऐसे होंगे, कुछ खास असमा ऐसे हैं अरबी जुबान में कि जिनके आखिर में तनवीन डबल हरकत भी नहीं हो सकती और कसरा भी नहीं हो सकती। ये है असल रूल, इस चीज को नोट कर लें। कुछ असमा अभी आगे जिनको हम डिस्कस करेंगे ऐसे होते हैं खास तौर पर कि जिनके आखिर में तनवीन भी नहीं होती और कसरा भी नहीं आ सकती। तो जहां कसरा आना हो जैसे आला इब्राहिमा, तो आला के बाद कसरा वाला इसम होने की बजाय फतहा वाला आ गया, यानी कसरा की बजाय फतहा उसके कायम मकाम हो जाती है, जेर की बजाय जबर लग जाती है, आला इब्राहिमा में हमने देख दिया। तो बेसिकली अस्मा जो है वो दो किस्म के हैं अरबी जुबान में। इस्म दो तरह के, एक कहते हैं उसको मुनसरिफ इस्म, मुनसरिफ इन सराफा यन सरिफु इन सिराफ, इसका माना होता है फिरना, इन सराफा यन सरिफु वो फिरा, तो मुनसरिफ फिरने वाले। फिरने वाले से मुराद क्या है कि रफा नसब और जर तीनों हालतों में वो हालतें भी बदलते हैं और हालतों के साथ साथ जाहिरी तौर पर अलामतें भी बदल रही होती हैं। रफा में दम्मा आ रहा है, नसब में फतहा है, जर में कसरा आ गया, तो ये तीनों सूरतों में फिर रहे हैं, तो ऐसे अस्मा को कहते हैं मुनसरिफ, और ये ज्यादा है मुनसरिफ अस्मा। आम तौर पर अस्मा जो है वो मुनसरिफ हैं, और कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनको कहते हैं गैर मुनसरिफ, जो नहीं फिरते, यानी मुकम्मल नहीं फिरते, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं फिरते, फिरते हैं लेकिन कम फिरते हैं। मसलन अकबरु इब्राहिमु रफा की हालत है, अकबरा इब्राहिमा नसब की हालत है, यहां पर त्यां तक फिर रहे हैं, जब जर की हालत आई तो फिर अकबरा ही है, अकबरा इब्राहिमा, यहां पर अकबरी और इब्राहिम ही नहीं हुआ। तो यहां पे आकर इन्होंने जो है वो अपना वो जो एक तीसरी हालत में जाकर भी चेंज लेना था उस चेंज को नहीं एक्सेप्ट किया। तो इन असमा को कहते हैं गैर मुनसरिफ। ये गैर मुनसरिफ कौन से हैं? चंद असमा हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनको याद रखने के लिए एक कहानी सुनते हैं। सुने जी, मुआविया ने शादी की मरियम से, मुआविया ने शादी की मरियम से और उनके यहाँ औलाद हुई, उस औलाद के नाम थे इब्राहिम, अहमद, अफ़ान, उमर। फिर वो चार बच्चे और बीवी को लेकर मुआविया गए मिस्र, मिस्र गए और मताइम खाया, मताइम कहते हैं खाना खाना, अच्छे से ज्यादा खाने खाना, और वो सब सुआदा थे, सुआदा मानी खुश थे, हैप्पी थे, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया।
लेकिन मुआविया थे गदबान, गदबान थे, गदबान माना किसको कहते हैं, गदबान किसी वन में पड़ा था गुस्से में आना, गुस्सा गुस्से में। मुआविया जो थे ज्यादा वो गदबान गुस्सा, थे यानी गुस्से में थे। क्यों ज्यादा गुस्से में थे, बहुत सबसे ज्यादा ज्यादा हो गया मसारिफ मसारी खर्च, यानी खर्चा खर्चों ज्यादा हो गया, की वजह से ज्यादा खर्च। खर्च। तो इन ये कहानी थी पूरी। तो इस कहानी में हमें क्या पता चलता है, यानी मुआविया की तरह के जितने भी नाम हैं वो सब गैर मुनसरिफ हैं। मुआविया की तरह से मुराद क्या है, यानी मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता नजर आती है। नाम है मर्दों के लिए, मेल्स के लिए, लेकिन आखिर में उसके गोलता है जो आमतौर पर मुअन्नस अस्मा के आखिर में आती है। अब ये तीन नाम हो सकते हैं, हुज़ैफ़ा, हमजा, और भी नाम हो सकते हैं, मसलन तलहा और खुज़ैमा। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो हैं मर्दों के लेकिन उनके आखिर में गोलता आ रही होती है। दूसरी कैटेगरी है मरियम। मरियम से मुराद क्या है, ख़वातीन के नाम जितने भी हैं वो गैर मुनसरिफ होंगे। ख़वातीन सबके सब गैर मुनसरिफ, नाम भी गैर मुनसरिफ, खुद ख़वातीन भी गैर मुनसरिफ। ऐसे ही है जी, ख़वातीन को यहाँ तक भी नहीं फेरा जा सकता और इनके नाम भी नहीं फिरते। ठीक है, तो मरियम, फातिमा, आयशा, जैनब, कुलसुम, रुकैया, कोई भी नाम है खवातीन के, तो वो नाम खवातीन के जो है वो गैर मुनसरिफ होते हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज है इब्राहिम। इब्राहिम से मुराद है गैर अरबी नाम, गैर अरबी नाम यानी अरबी जुबान का नाम नहीं है, लेकिन जब अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है तो एज इट इज ही इस्तेमाल होता है। तो उसमें फिर आगे जो है वो तीन कैटेगरीज बन सकती हैं उसकी। एक, नबियों के सारे नाम, तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ हैं, और फरिश्तों के नाम गैर मुनसरिफ हैं, और उसके अलावा जो गुज़श्ता कौमों में गुजरे हैं, ये फिरौन, हामान, कारून, शद्दाद, नमरूद वगैरह, ये भी चूंकि अरबी जुबान के नाम नहीं है, दूसरी जुबानों के नाम है, अरबी में एज इट इज इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये भी गैर मुनसरिफ। अम्बिया के नामों के बारे में एक बात जहन में रख लें कि अम्बिया के तमाम नाम जो है वो गैर मुनसरिफ हैं सिवाय छः के। वो छः नाम, छः अम्बिया के नाम जो है वो मुनसरिफ हैं, उनमें एक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह, हूद, तो क्या हो गया? लूत, शुआइब, और छठा नाम कौन सा है जी? साले इधर साले मोहम्मद साले हूँ मोहम्मद मोहम्मद तो सबसे पहले आ गया ना। ये छह अंबिया के नाम है, दो तीन चार पांच और छह। इनके अलावा यानी इनके अलावा तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ। ठीक है, उसको नोट कर लें अपने पास। फरिश्तों के नाम गैर मुनसरिफ हैं, इसी तरह पिछली कौमों में गुजरे हुए जितने भी ये मुखालिफीन थे वो भी गैर मुनसरिफ। फिर इसी तरह अहमदु, अफअलु के वजन पर आने वाले जितने भी नाम हैं, यहाँ पर भी देखिए इसमें वजन मैटर कर रहा है बड़ा, अफअलु का वजन, और ये नाम होना चाहिए। अहमद, अकरम, अरशद, आजम, और को इस तरह के बहुत सारे नाम रखे जाते हैं ऐसे, अरहम, असजद, अंजर, अफसल अफजल,
सारे नाम जो है वो गैर अच्छा मुनफरिद है, जो अहमदु के वजन पर आ रहे हैं। इसी तरह अफान, ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आ रहा है और वो अलिफ और नून मादे का हिस्सा नहीं है, रूट लेटर्स का हिस्सा नहीं है। जैसे अफान, तो अफान के रूट लेटर्स हैं आइन, फा और फा, अलिफ और नून एक्स्ट्रा है। रमादान, यहाँ पर भी मादे के हरूफ हैं रा, मीम और दा। इसी तरह उस्मान, आइन, फा और मीम, मादे के हरूफ हैं अलिफ नून एक्स्ट्रा है। सलमान, सीन, लाम और मीम, मादे के हरूफ हैं सलमान अलिफ और नून एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जहां पर ऐसा नाम आए कि जिसके आखिर में अलिफ और नून आ रहा हो, इमरान और हमदान और ये इस तरह के जितने भी नाम है, नामों की बात हो रही है यहाँ, फिलहाल नाम है, तो ये सारे के सारे नाम गैर मुनसरिफ हैं। इसी तरह अफान के बाद उमर, उमर ये भी जो है वो एक वजन है, फुआलू का वजन है। फुआलू, इस वजन पर जितने भी नाम होंगे वो भी गैर मुनसरिफ हैं और ये बहुत ही कम है, दो लिखे हुए हैं, दो तीन और सा होंगे साथ। उमरु, मुदरु, जुहलु और हुबलु। हुबल, हुबल किसको कहते हैं? हुबल एक उनके बुत का नाम था ना, लात, उज्जा और हुबल। हुबल बुत का नाम था और ये उसको जो है नाम दिया गया था। आजकल हुबल एक और भी चीज होती है, वो क्या होती है? वो हमें रमजान में और ईद के मौके पर उसके नाम सुनने को मिलते हैं जी। नहीं है किसी के जहन में? टेलीस्कोप की एक किस्म है जो जिससे वो देखते हैं, चांद देखते हैं, हुबल, वो भी इसी तरह का ही है। पता नहीं उसको इस माइक्रोस्कोप, तरह से, खुर्दबीन, नहीं खुर्दबीन, नहीं खुर्दबीन तो वो अम्मा, खुर्दबीन ही कह सकते हैं उसको, कौन दूरबीन कहना चाहिए, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन दूरबीन, हो, नहीं दूर हबल दूर दूरबीन, टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप जी, दूरबीन होगा, दूरबीन जी, टेली टेली दूर वाले होते हैं। वो जो चांद देखने के लिए झगड़े बनते हैं हमारे मुल्क में हर साल के, चांद नजर आया या नहीं आया, तो फिर कुछ लोग कह रहे होते हैं जी कि जदीद मशीनरी आ चुकी है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो उसमें फिर ये चीजें डिस्कस होती हैं, कौन कौन सी दूरबीनें मौजूद हैं जिनसे चांद देखा जा सकता है। तो पिछले 2-1 सालों से मैं तो सुन रहा हूँ हुबल क्यों नहीं यूज करते, हुबल से देखना चाहिए, अल्लाह वालम वो लेटेस्ट है या कोई और भी है। तो खैर, उमरु, मुदरु, जुहलु, हुबलु और एक और नाम है जुफर, जुफरु, जा, फा और रा। एक बहुत बड़े आलिम स्कॉलर गुजरे हैं जो इमाम अबू हनीफा थे रहिमाउल्ला, उनके शागिर्दों में से दो के नाम मशहूर हैं, ये उनके तीसरे शागिर्द थे जुफर। तो फुआलू के वजन पर आने वाले जो अस्मा हैं ये भी गैर मुनसरिफ हैं। और फिर आगे चलें, मिस्र, मिस्र से मुराद हम यूं ले सकते हैं कि मुल्कों और शहरों के नाम, मुल्कों और शहरों के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं। मिस्र, मक्का, लंदन, बाबिल, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, मुल्तान, ये सब गैर मुनसरिफ हैं। मताइम, यहाँ फिर से वजन की बात आ गई कि मफाइल का जो वजन है इस पर आने वाले जितने भी अस्मा हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। मफाइल का वजन, ठीक है जी, यानी हम इसको या तो यही वजन याद कर लें, मफाइल, इसको हम मसाजिद से याद कर सकते हैं, जब हमने किसी फॉर्म में ये पढ़ा था मस्जिद की जमा, मशरिक की जमा, मगरिब की जमा, तो वहां बात कर दी थी कि इनकी जमा जो है वो गैर मुनसरिफ होती है, उसके आखिर में तनवीन नहीं आती। ठीक है जी, दूसरी सूरत में यूं याद रखें कि ऐसी जमा जहां अलिफ के बाद दो हरूफ आ रहे हो, मफाइल देखे ना, अलिफ आया उसके बाद आइन और लाम दो हरूफ हैं,
यूं याद रखें या मफाइल का वजन याद रख लें, दोनों में से जो आपको आसान लगे। तो ये गैर मुनसरिफ हो गया मताइम। सुआदाउ ये भी जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि ऐसे अस्मा जिनके आखिर में ये आ रहा आउ, इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, ऐसी अलिफ जिस पर मद की जाती है, यानी अलिफ और उसके बाद हमजा आ रहा है। खुलाफाउ, उलमाउ, उकलाउ, शुराफाउ, जुआमाउ, जुहलाउ, फुकराउ, ये जितने भी हैं ऐसे आउ जिनके आखिर में आ रहा है, ये सब के सब गैर मुनसरिफ हैं। उसके अलावा मजीद आगे चलें तो वधवान, ये भी वही है, पीछे हमने उस्मान वगैरह में बात की थी कि नाम ऐसे हों जिनके आखिर में अलिफ और नून आ रहा हो, यहाँ है हाँ सिफत ऐसी हो जिसके आखिर में अलिफ और नून आ रहा हो। सिफत यानी जवान, ताबान, शबान, मान कसलान, रहमान, आतशान, ये सारे के सारी जो है वो सिफात हैं, यानी सिफात इस माने में कि ये कोई ना कोई सिफती माना दे रहे हैं। तो इनमें भी अलिफ और नून एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जहाँ अलिफ और नून एक्स्ट्रा आए किसी इसम के आखिर में, वो इसम गैर मुनसरिफ हो गया। मसारिफ, ये ऊपर वाला था मफाइल मताइम, ऊपर वाला था मफाइल, ये है मफाइल, यानी अलिफ के बाद तीन हुरूफ और उन तीन का दरमियान वाला जो है वो साकिन है, कमजोर हर्फ है, मफाइल का वजन। तो ये सारे के सारे जो है वो गैर मुनसरिफ असमा है। इनके बारे में क्या होता है कि इनके आखिर में तनवीन भी नहीं आती, और इनके आखिर में तनवीन भी नहीं आती, और अगर जर या की भी हालत नहीं, में हो तो कसरा भी जेर नहीं भी आएगा, नहीं। बल्कि कसरा की बजाय जबर आ जाएगी। होते जर की हालत में होंगे, यहाँ दो बातें समझने वाली हैं कि एक है किसी इसम का हालत जर में होना और एक है किसी इसम के आखिर में कसरा होना, ये दो अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स ना कीजिए। गैर मुनसरिफ असमा हालत जर में जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं। गैर मुनसरिफ असमा हालत जर में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा सवाल, गैर मुनसरिफ असमा के आखिर में कसरा आती है, वो नहीं आती। फिर तीसरा सवाल, फिर गैर मुनसरिफ असमा जब हालत जर में होंगे तो कसरा भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फतहा दे देंगे, जबर दे देंगे। ठीक है, आमतौर पर बाज़ुकात ये होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि जर और कसरा एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। जर वो रोल और महल है जिस जगह पर आया है, और कसरा यानी जेर जो है वो उस रोल और महल में होने की एक हम कह सकते हैं निशानी, पहचान है, अलामत है, निशानी अलामत। है। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे एक आदमी किसी इदारे में जाता है, उस इदारे में जाकर वो एक खास नौकरी करता है, जॉब शुरू करता है, और वॉचमैन की जॉब करता है। अब वो वॉचमैन है तो वो इंसान, उसी बंदे को उठाकर वॉचमैन लगाएंगे तो वो वॉचमैन वाली वर्दी पहन लेगा, उसी बंदे को उठाकर अगर कहेंगे कि तुमने ड्राइवर का काम करना है तो उसको ड्राइवर की वर्दी पहना देंगे, उसी बंदे को अगर कहेंगे कल को तुमने जो है वो प्लम्बिंग और मेंटेनेंस का काम करना है तो वो दोनों वर्दियां छोड़ के मेंटेनेंस की पहन लेगा। ठीक है, तो इसको यूं समझे कि गैर मुनसरिफ एक ऐसा फर्द है कि जिसने काम तो तीन करने हैं लेकिन वर्दियां वो दो पहनेगा। वो जो है वो चौकीदार वाली वर्दी भी पहन लेगा, वो ड्राइवर वाली भी पहन लेगा, लेकिन वो कहेगा कि मैं मेंटेनेंस में, चूंकि मेरा एक्चुअल काम नहीं है, मैं तो हेल्प के तौर पर हूं, तो इसलिए मैं मेंटेनेंस वाली वर्दी नहीं चेंज करूंगा। तो गैर मुनसरिफ ऐसे ही है कि वो हालत तो कबूल कर ली उसने, काम तो वो उसके ऊपर एक्शन हो गया कि हरफे जर ने आकर उसको जर की हालत में तो कर दिया, लेकिन उस जर की वजह से जो जेर बनती थी वो जेर उसने नहीं ली। ठीक है, और तनवीन जो है वो इसका वैसे खासा है कि इसके आखिर में तनवीन नहीं आ सकती। कुछ दिलचस्प इस्तिसना मजीद होंगे, यानी क्या है कि ये जो हमने दो बातें की ना, कि गैर मुनसरिफ के आखिर में दो चीजें नहीं होती, एक तनवीन नहीं होती और दूसरा कसरा नहीं होती।
तनवीन का ना होना तो मस्ट है, कभी भी नहीं होगी। तनवीन का ना होना मस्ट है, कभी भी नहीं हो सकता कि गैर मुंसरिफ के आखिर में तनवीन आए, कभी भी नहीं होगा। हाँ, कसरा आ सकती है बाद सूरतों में, दो सूरतें बताएंगे आगे चल के, किसी सिक्स में बात करेंगे, अभी नहीं किसी करते। अगले हरफ के साथ मिलाने के लिए बाज दफा आ जाती है, वो आ नहीं, सकती है, वो वो भी मिलाने इन में नहीं, नहीं मिलाने आती, वाली वो नहीं भी है नहीं आती, वो भी नहीं आती। वो वाली नहीं है ये। इसकी अपनी दो वजूहात हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग वजूहात हैं, एज पर रूल आएंगी वो, उसको हम सादी एक्सेप्शन नहीं कहेंगे। क्योंकि सिक्स में जाएंगे तो उन पर डिटेल बात कर लेंगे, वहां पर हम सीख लेंगे। बहरहाल इतना जहन में रखिए कि गैर मुनसरिफ के बारे में उसके आखिर में तनवीन डबल हरकत भी नहीं आती और कसरा भी नहीं आती। खास सूरतों में, बाज खास हालात में कसरा तो आ सकती है, तनवीन कभी भी नहीं आएगी। कसरा तो आ सकती है लेकिन तनवीन कभी भी नहीं आएगी। ये गैर मुनसरिफ से मुतालिक जो है वो हमारे सर असबाब। जी ये जो कसरा जो आ सकती है तो ये जेर की सूरत में ही आएगी या जबर नहीं की सूरत में आएगी, लेकिन दूर की सूरत में ही आएगी नहीं कसरा? देखिए, यही मैं बात थोड़ी देर पहले मैंने की है कि जर और कसरा को मिक्स ना करें। कसरा तो कहते ही जेर को है, जी सर, कसरा कहते ही जेर को है। जर वो हालत है जिसमें जेर भी हो सकती है, जबर भी हो सकती है, और या नून के साथ भी आ सकती है वो किसी, और पीछे हमने अस्माए खमसा पढ़े हैं तो उसमें जर या के साथ आ रही थी, तो वो जर हालत जर की है लेकिन उसकी अलामतें डिफरेंट हैं, उसमें कसरा भी हो सकती है, फतहा भी हो सकती है। हरफे जर क्यों कहते हैं हम हर्फे जर तो जर? इसलिए कहते हैं ना कि ये हर्फ, इस हर्फ की ये खासियत है कि ये किसी के साथ भी लगे तो उसको जर दे देता है। जर ठीक, वैसे कहते हैं घसीटने को, यानी ये ऐसा हर्फ है किसी भी इसम के साथ लगे तो उसको घसीट कर नीचे कर देता है, यानी उसके नीचे जेर आ जाती है, यूं समझ। हर्फ तो हर्फ है, हर्फ की एक मतलब नाम है ना, ये इसमें फाइल है, हम उसको फाइल नहीं कहते, हम उसको कहते हैं ये इसमें फाइल है इसम लेकिन ये माना फाइल वाला जेर है। तो यह भी, ये हर्फ जर भी है हर्फ, लेकिन इसकी खासियत यह है कि बाद वाले इसम को जर दे देता है, जर की हालत में कर देता है, इसलिए उसको हर्फ जर कहते हैं। लेकिन बाज़ोकात जेर नहीं भी आएगी जर में। हाँ, जर में जेर नहीं आएगी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जर हालत जर होगी लेकिन जेर नहीं होगी, क्योंकि और उसकी पहचान यही होगी कि वो हरफे जर से शुरू हुआ है, पहले हरफे जर, हाँ हरफे जर जर है। लगा हुआ होगा उसके हर्फे पहले। जर अगर है तो बाद वाला इसम आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये जर की हालत में। ठीक है, अगला सवाल फिर बाद में पैदा होगा कि यहाँ फिर जर की अलामत क्या, तो उस पर फिर आंखें खोलनी पड़ेंगी, यहाँ पर देखिए इसमें जर की अलामत क्या नजर आ रही है। क्योंकि जर की तो हमने अलामत जेर भी पढ़ी है, जर की अलामत तो हमने ये भी पढ़ा है कि मुस्लिमीना या भी हो सकती है, जर की अलामत हमने आज ये भी पढ़ लिया कि फतहा जबर भी हो सकती है, जैसे इब्राहिमा में पढ़ा है। तो अब यहाँ पर जो भी इसम कोई नजर आ रहा है उसको फिर हम देखेंगे कि यहाँ जर की अलामत कौन सी वाली अप्लाई हो। तो कोई भी इसम है वो जर की हालत में तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जर की पहचान जेर से ही हो रही हो, जर मुख्तलिफ सूरतों में आ सकता है। अगले लेसन के साथ जो ग्रामर है उसमें हमारा इरादा है, वहां चलकर हम इन चीजों को दोबारा से जरा शुरू से डिस्कस करते हैं, इन हालतों को और हालतों की अलामतों। तो यहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था जी, QC 1 से। हमने सबसे पहले QC 1 में पढ़े चार टेबल्स, फतहा, नसारा, दरबा और समिया। जी सिस्टर आलिया, क्वेश्चन। सर सिस्टर तो आलिया रशीद। जी, सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अभी आइए। जी, सर ये मैं कह रही हूँ कि जब एक सबसे बड़ी निशानी जो तनवीन नहीं आएगी तो बस फिर गैर मुंसरिफ हो गए ना सारे के सारे, यही तो सबसे बड़ी पहचान हो गई, और ना भी हो तो तनवीन नहीं होगी तो बस गैर मुंसरिफ ही होंगे ना। बिल्कुल, लेकिन तनवीन ना होने की दो वजूहात हम और भी तो जानते हैं। वो तो क्या अल तनवीन वाली उसका अल दूसरा वाली इसम, और ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम, वहां पर भी तो तनवीन नहीं होती। तो उन उन हाँ एक सिर्फ ये दो कंडीशन हो गई तो बस यही हो गई, इसी से पहचान है जी बस। जी जजाक बाकी तो पहचान, गैर मुनसरिफ इसम को पहचानने के लिए तो ये आपको ये पूरी कहानी सुनाई है ना कि मुआविया और मरियम ने शादी की, फिर उनके बच्चे हुए, जो है वो क्या नाम थे उनके जी, उमर था और अफान था, और वो सारे मिस्र गए, उन्होंने मताहन खाए,
और बड़े सुआदा थे, लेकिन वो गदबान थे क्योंकि उनके मसारिफ ज्यादा हो गए थे। तो ये जो सारी कहानी में जितने भी ये अल्फाज आए हैं, ये बेसिकली हिंट है आपके लिए, आप इन चीजों को नोट डाउन कर लें, अपने पास जानों में बिठा लें कि जो भी इसम इस तरह का होगा वो गैर मुनसरिफ होगा। अब फिर उस गैर मुनसरिफ की अगली बातें आएंगी कि ये गैर मुनसरिफ है तो किस हालत में है, इस हालत में क्यों आ रहा है और इस हालत की अलामत क्या नजर आ रही है। तो वहां पर आकर फिर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ जर की हालत जो है वो जेर के साथ शो हो रही है या जबर के साथ शो हो रही है, जैसे भी होगा। ठीक है जी, तो ये हमने सर सर तमाम गैर अरबी नाम भी आपने बताया कि वो गैर मुनसरिफ होंगे, शुमार किए जाएंगे, और कहा कि मोहम्मद जो है वो तो अंबिया के नाम भी मतलब गैर मुनसरिफ होंगे सिवाय मोहम्मद के, और पांच और भी हैं। तो सर जी वो गैर अरबी जो पांच थे वो क्या अरब से उनका भी ताल्लुक था जो अंबिया के नाम है, या कोई एक्सेप्शन है? नहीं, उसमें से मोहम्मद, सालेह और नूह, लूत, हूद, शुएब, मोहम्मद, सालेह और शुएब, मोहम्मद, सालेह और शुएब, ये तो नाम ही अरबी हैं, जी मोहम्मद, सर, सालेह और शुएब, और जो बाकी जी हैं हूद, लूत और नूह। हूद, लूत और नूह जो लूत, हैं ये जी शबाहतन यानी इनकी मुशाबहत है अरबी अल्फाज के साथ। ठीक ओके ओके ठीक सर, ठीक है सर। जी, तो किसी वन से हमने ग्रामर पढ़ना शुरू किया, तो पहले हमने ये पोइम पढ़ी थी, कुरान खोलोगे फताहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दौराबा इसकी ये सुन लो समिया। फिर कोर्स टू में आए तो अगले कमजोर अफाल पढ़े, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा इसकी दुआ करो हिदायत की, दहा हदा और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना बल्ला। ठीक है, ये क्यूसी टू था। फिर हम क्यूसी थ्री में आए, तो क्यूसी थ्री में हमने मजीद फी वाले अल्फाज पढ़े अफाल, और उसमें हमने पढ़ा तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में है, इख्तिलाफ मत करें, इस्तगफार करें और कुरान में तदब्बुर करें, आपस में तदारुस करें ताकि अल्लाह की जानब बेहतर हो इनकलाब। इंशाल्लाह ये क्यूसी थ्री के हमारे टेबल्स थे। फिर हम कोर्स फोर में आए, और कोर्स फोर में हमने जो है वो पढ़ा कि फेल के आखिर में तब्दीलियां कैसे आती हैं, कभी छुरी का अमल हो जाता है, कभी हथौड़े वाला अमल होता है, कभी ताकीद के लिए शुरू में लाम और आखिर में नून जबर शद वाला आ जाता है। तो ये हमने छुरी वाले अल्फाज पढ़े थे, लम लम्मा इन मन मा फल और वल, अगर किसी फेल मुदारे से पहले आ जाए तो बाद वाला फेल मुदारे जज़म की हालत में चला जाता है। और ली और लन अन और हत्ता वगैरह अगर फेल मुदारे से पहले आ जाए तो ये फेल मुदारे नसब की हालत में चला जाता है। फिर हमने मुअन्नस के सीगे पढ़े, तस्निया के सीगे, मजहूल पढ़ा, ये सारा हम क्यूसी फोर में पढ़ते रहे। जमा की सूरतें सालिम और मुकस्सर ये हमने पढ़ी, अस्मे इसमें मकान पढ़ा, और फिर सिफत और तफदील और मुबालगा, ये सारे अल्फाज जो है वो हम क्यूसी फोर में पढ़कर आए, और फिर हम क्यूसी फाइव में आए। क्यूसी फाइव का भी ग्रामर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा लेसन करते हैं, 5 मिनट का वक्फा ले लेते हैं, थोड़ा सा सांस ले लें, 5 मिनट के बाद दूसरा लेसन शुरू करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 मिनट। इंशाल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेशन वालेकुम अस्सलाम सर। शुरू करते हैं तो का हमारा PC5 का आखिरी सबक, और इसमें हम पहला पारा इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। आया नंबर 140 मुकम्मल करेंगे और साथ 141। तो इशारा है, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। चार इशारे थे, हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाए तुम जैसा तो, अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाए तुम जैसा तो, अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। मुख्तसर इशारे, यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। तो बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। गुज़श्ता आयतों में अल्लाह ने अहले किताब से खिताब करते हुए उन्हें हक की तरफ लौट आने की दावत दी थी। अब उसी बात का बकिया हिस्सा जो है वो बयान किया जा रहा है, और एक आयत जो है वो तो पहले गुजर चुकी है, उसी को दोबारा से पूरी आयत को रिपीट किया गया है। तो सबक क्या है? हक को छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म है। आप हक बात को जानते हैं, हक को हक समझते हैं, उसके बावजूद आप हक को छुपा रहे हैं अगर हम, तो ये छुपाना जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी हदीस शरीफ में बड़ी मजम्मत आई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे कोई बात पूछी गई और वो उसे जानता था फिर भी उसने उसको छुपाया, तो कयामत के दिन उसको आग की लगाम पहना दी जाएगी। उलजिमा यौमल कियामती बिलजामिम मिनन नार। तो ये बड़ा शदीद जुर्म है। ये हमें भी अगर कोई बात हक मालूम हो तो वो बयान करने का मौका हो तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमारी बातों और हमारे कामों से गाफिल नहीं है, हमेशा अल्लाह का इस्तेहजार रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह की नजर में, अल्लाह के से अल्लाह ताला हमसे गाफिल नहीं। और हर इंसान को अपने अमल का जवाब देना है, कोई किसी दूसरे के अमलों का बोझ नहीं उठाएगा। और फिर से वही बात हम पहले भी कर चुके कि अगर किसी के अमल अच्छे ना हो तो आला नस्ल और आला खानदान से होना उसको कोई फायदा नहीं दे सकेगा। खानदान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अमल अच्छे नहीं हैं तो आखिरत में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नया लफ्ज नहीं है, सारे पड़े हुए हैं। तो आइए तिलावत से शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अपने पास अल्लाह की तरफ से आई हुई शहादत को छुपाया? उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने छुपाया गवाही को जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह बेखबर और गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। ये हो गया इसका बा मुहावरा तर्जुमा। अब आइए लफ्ज ब लफ्ज, ये सारे अल्फाज हमारे पड़े हुए हैं, इससे कोई नया लफ्ज नहीं है। तो वमन अज़लमु, और कौन ज्यादा जालिम है या बड़ा जालिम है? निम्मन, उससे जिसने या उससे जो कतमा छुपाया, जिसने छुपाई शहादतन गवाही को, इंदहू जो उसके पास है, मिनल्लाही अल्लाह की जानिब से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन, गाफिल बेखबर, अम्मा उससे जो, अन प्लस मा, तामलूना तुम अमल करते हो। तो यहाँ डायरेक्ट खिताब तो यहूदो नसारा से है कि गोया तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम हक को छुपा रहे हो, कि तुम्हारे पास तो रात और इंजील अल्लाह की तरफ से दी गई किताबें मौजूद हैं, तो तुम जरा खुद उसमें चेक कर लो कि उसमें दीन इस्लाम और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बात की गई।
ये अल्लाह की जानिब से फिर से एक तंबीह की गई है कि अल्लाह ना सिर्फ तुम्हारी हरकतों को देख रहा है बल्कि वो तुम्हारी नीयतों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। तो तुम अपने आप को आखिरी अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रखो, अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो या जो कुछ तुम सोच रहे हो। पढ़ लें शायद को, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، और कौन बड़ा जालिम है उससे जिसने छुपाई गवाही जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम अमल करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी आयत है जी। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये एक उम्मत थी तहकीक जो गुजर गई, उसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में जो वो अमल किया करते थे। ये पूरी आयत इन्हीं अल्फाज के साथ पिछले सफर नंबर 19 की आयत में भी गुजर चुकी है। तिलका उम्मतुन, ये एक उम्मत थी। तिलका वो की बात है, वैसे तो तिलका वो के लिए आता है, लेकिन बाज़ोकात किसी चीज के रुतबे की दूरी, ऊंचा होना या टाइम की दूरी को बताने के लिए लफ्ज तो तिलका लाया है, लेकिन उर्दू में तर्जमा हम ये के साथ कर रहे हैं। कद खलत, तहकीक गुजर चुकी है। खला हुआ, खला ही खलत, वो गुजर चुकी है। लहा उसके लिए, माँ कसबत जो उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ कसब तुम जो तुमने कमाया, वला तुस अलूना और नहीं पूछा जाएगा तुम सबसे, तुस अलूना अम्मा उसके बारे में जो अन प्लस माँ कानू या मलूना वो अमल करते थे। तो कयामत के दिन तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि इब्राहिम या याकूब अलैहिस्सलाम के नेक कामों को बयान करो, जब तुमसे उनके बारे में पूछा ही नहीं जाएगा तो ये भूल जाओ कि तुम्हें उनके नेकियों का, उनके नेक कामों का कोई फायदा पहुंचेगा। तुमसे तुम्हारे कामों के बारे में पूछा जाएगा और तुम्हारे नेक कामों का अजर सवाब मिलेगा या फिर तुम्हारे बुरे कामों पर सजा मिलेगी। शायद को अल्लाह ने दोबारा जिक्र फरमाया इस बात पर जोर देने के लिए के नसब और नस्ल का आला होना किसी भी इंसान को अल्लाह के पास अजर व सवाब नहीं दिला सकता। हर कोई अपने कामों का जिम्मेदार खुद है, तो शैतान के धोखे में तो हरगिज ना आना जो किसी को उसके मुत्तकी और पारसा खानदान या नसब का धोखा देता है। ये धोखा आज हमें भी दिया हुआ है, ठीक है जी, हमें भी ये धोखा लगा रहता है। दुनिया में रहते हुए हम किसी खास खानदान से हैं या हमारी फैमिली में कुछ लोग नेक, मुत्तकी और परहेजगार हो गुजरे हैं। दुनिया में रहते हुए लोग हमारी इज्जत और एहतराम करते हैं, तो हम अगर ये समझने बैठ जाएं कि दुनिया में ये इज्जत कर रहे हैं तो आखिरत में भी हमें इसी तरह इज्जत मिलेगी, तो हम जो मर्जी करते चले जाएं। तो याद रखिए, दुनिया में तो ये इज्जत दी जा सकती है लोगों की तरफ से, लेकिन आखिरत में जो फैसला होने वाला है वो अमलों की बुनियाद पर होगा। ये हदीस भी हम पहले देख चुके हैं, फिर से आ रही है। मम बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रे बिही नसबुहु, कि जिस इंसान को उसका अमल पीछे कर दे तो उसका खानदान यानी नसब उसे आगे नहीं कर सकता। तो ये बात हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए। आयत को पढ़ लें एक मरतबा तर्जमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी तहकीक जो गुजर चुकी। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में जो वो अमल करते थे। असबाब फिर देखने, हक को छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म है। अल्लाह हमारी बातों से और हमारे कामों से गाफिल नहीं है। हर इंसान को अपने अमल का जवाब देना है, और किसी के इंसान के अगर अमल अच्छे ना हो तो उसका आला नस्ल से होना उसे कोई फायदा नहीं दे सकेगा। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने
जो कुछ पढ़ लिया है इसको सही अंदाज में सीखने और समझने की तौफीक अता फरमा, और कुरान का पैगाम बेहतर से बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। प्लान बनाया जाए कि अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ ग्रोहों के सामने इस्लाम को पेश करने के जो तरीके इस्तेमाल किए हैं, हम उनको अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे कि मुखालिफीन जो खुलकर मुखालफत करते हैं उनको जवाब देना है, उनके सामने इस्लाम पेश करना है तो क्या तरीका होना चाहिए, जो किसी शक और शुबे में पड़े हुए हैं उनके शुबहात को दूर करने के लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, या जो किसी गलत फहमी की बुनियाद पर कोई उनके जहनों में सवाल है तो उनके सवालात को कैसे एड्रेस करना है, ताकि हम अच्छे तरीके से सीख कर हर एक ऑडियंस के मुताबिक हम बेहतर अंदाज में दीन इस्लाम का सही पैगाम और सही रुख पेश कर सकें। असमा देखने अवलम फिर से आया, वालिम का इस्म तफदील है, अवलम ज्यादा जुल्म करने वाला। शहादत गवाही को कहते हैं और इसकी जमा शहादात गवाहियां, और उम्मत उनकी जमा उमामुन। अफाल में देखें तो कतमा नसरा के पैटर्न से है, कतमा यकतुमु उक्तुम कातिमुन मकतूमुन कितमानुन छुपाना, कतमा उसने छुपाया, शहादत मस्दर है तो इससे समीहा के पैटर्न से फेल बनेगा, शहीदा यशहदु इशहद शाहिदुन मशहूदुन शहादतुन गवाही देना, और इसका मस्दर शुहूद भी हो सकता है और शुहूद का माना होता है हाजिर होना, तो शहीदा का माना हाजिर हुआ या शहीदा का माना उसने गवाही दी, दोनों के दरमियान आपस में बड़ा यूनिक सा ताल्लुक और लिंक है। उसको अगर हम समझें कि गवाही वही देगा जो उस मौके पर हाजिर था, जो हाजिर था वही गवाही देगा। गाफिल गफला या गफुलू नसारा के पैटर्न से, गाफिल होना बेखबर होना। तामलून आमिला या अमलू समिया के पैटर्न से, ये क्यूसी वन का टेबल है, हम उसको पूरा कर चुके हैं। कसबा दरबा के पैटर्न से, कसबा यकसिबु इकसिब कासिब मकसूब कसबुन कमाना, कसबा उसने कमाया। कमजोर अफाल में खलत खला यखलू दआ यदरू की तरह, खला यखलू उखलू खालिन मखलूवन अनहु और खुलूवन, इस पर बात हुई थी कि मखलूवन अकेला नहीं इस्तेमाल होता, अगर कभी किसी जगह पर यूज किया भी जाए तो अन के साथ आएगा, गुजरना। और तुसअलून हमजा वाला फेल है, सअला यसअलू सल साइलुन मसउलुन सुआलुन सवाल करना पूछना, और मजीद फी के कोई भी लफ्ज इसमें इन आयात में नहीं आए। तो अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहू मिन अल्लाह, तो शहादतन के बारे में अगर सवाल मैं उठाऊं कि शहादतन नसब की हालत में क्यों आ रहा है, जी बता सकेंगे शहादतन क्यों नसब की इसलिए हालत में? इसलिए कि ये कतमा के लिए मफूल भी ही एक्सीलेंट सर, माशाल्लाह जजाकुमुल्लाह, शहादतन जो है ये मफूल भी ही है कतमा फेल के लिए, तो कतमा का फिर फाइल किधर है? हुआ सर, हुआ हुआ होना, हुआ ही होगा। हुआ बिल्कुल हुआ बिल्कुल जबरदस्त हुआ, कतमा के अंदर छुपा हुआ है हुआ, वो इसका फाइल है, और शहादतन जो है वो इसके लिए मफूल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उम्मतुन ये तिल का उम्मतुन, क्या ये इशारे की जोड़ी बन रही है? जी इसमें ऐसा जी सर जी सर अच्छा, जो नहीं कह रही है जी, नहीं सर, नहीं अल तो नहीं है, नहीं, सॉरी अल होना चाहिए था, सर, अल नहीं है, अल नहीं, अल नहीं बिल्कुल होगा बट जिन्होंने ये जुमला जिन्होंने इस्मिया, कहा जुमला जुमला इस्मिया इस्मिया जी है, सर, जिन्होंने जुमला इस्मिया कहा था कि जी बन रही है, अब वही कह गलत रहे हैं कि कहा नहीं था, बन रही? नहीं सर नहीं नहीं बन गई, अल नहीं, गलती नहीं थी, स्लिप ऑफ टंग था, नहीं जल्दी से कह दिया था, जी सर, तो ये इशारे की जोड़ी नहीं है क्योंकि इशारे के लिए बाद वाले इसम के शुरू में अल होना जरूरी है, ठीक है। जी सर, अच्छा जी, और कद खलत, तो खलत का फाइल या कसबत का फाइल इसके अंदर छुपा हुआ है हिया, ठीक है। कानू या अमलूना को अगर हम कहेंगे ये काना वाला जुमला है, तो काना का इसम और काना की खबर क्या बताएंगे, बता सकेंगे? सर सर किसका कानू इसम या वाव से है तो हम होगा, और या मलूना इसकी खबर होगी।
वाव को कह देंगे कि ये वाव जो है ये काना का इसम है जो हम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और या मलूना जो है या मलूना सॉरी यामलूना ये जुमला फेलिया है, यामलूना जुमला फेलिया है। इस पर हमने बात की थी जुमला फेलिया में कि फेल अकेला भी हो तब भी वो जुमला फेलिया होता है। काना के जुमले भी जुमला फेलिया है सर? काना के जुमले तो जुमला फेलिया हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी फेल आ गया, कसबत लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है आगे पीछे, सिर्फ कसबत है, सिर्फ एक फेल अकेला लिखा हुआ है तो भी वो जुमला फेल और फाइल, फेल और फाइल करेंगे तो बन जाएगा जुमला फेलिया। जी, क्योंकि कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता सर। मफूल नहीं भी हो, मफूल नहीं मफूल भी हो नहीं भी हो तो भी चलेगा, मफूल होना जरूरी नहीं है, मफूल एक एक्स्ट्रा चीजों में से है। बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जुमला फेलिया की वो है एक फेल और उसका फाइल, और ये हर फेल के अंदर होता है। अगर कोई अलग से लिखा हुआ नहीं है तो फेल के अंदर जो जमीर है उसी को फाइल बना लेंगे, तो जब भी फेल नजर आएगा हमें तो उसके साथ फाइल होना मस्ट और जरूरी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई फेल आ जाए और उसका फाइल ना, ठीक है? अगर फाइल नहीं है तो नायबुल फाइल आ जाएगा। नायबुल फाइल समझते हैं, नायबुल फाइल किसको कहते हैं? मजहूल हो तो फिर पहले मजहूल, पहले मजहूल में फाइल का क्योंकि पता नहीं होता तो उस सूरत में फिर फाइल की बजाय नायबुल फाइल आ जाता है। जैसे तुस अलूना है, ये फेल मजहूल है, तो इसका फिर नायबुल फाइल आएगा, फाइल नहीं आएगा। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी फेल आएगा तो उसके साथ अगर फेल मालूम है तो फाइल जरूर होगा, और अगर फेल मजहूल है तो नायबुल फाइल मस्ट है, जरूर होगा। तो जब फेल और फाइल आ गए, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो जुमला फेलिया हम उसको बना लेंगे। तो यामलूना को हम कहेंगे, ये जो कानू यामलूना है इसको हम कहेंगे यामलूना, फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया हो गया, और ये पूरा जुमला फेलिया काना की खबर बन गया, ठीक है? अच्छा जी, इसके साथ हमारा ये कुरान वाला पोर्शन मुकम्मल हो गया है। यहाँ किसी का कोई सवाल तो नहीं है? हम ग्रामर पे आ जाएं तो उसमें हमने सर ये सवाल पूछ लो, सर जी एक सवाल पूछ लो, ये जी तिल जी का उम्मा तो जुमला फेलिया नहीं होगा? फेलिया क्यों होगा? फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू हो, तो अच्छा तिल फेल का से उम्मा तो ना फेल किधर है? नहीं, फेल तो नहीं है इसमें, बस फेल नहीं है तिल तो का। जुमला फेलिया नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो इशारा ठीक है जी? और चलिए, इशारा भी सेम ही होता है सॉरी सर, जी, तिल इशारे का वाले अस्मा जो है वो इसम ही होते हैं, तो इसलिए उसको भी हम जो है वो इसमिया जमायत ही सर, लेंगे। जी तमाम जमायत इसम होते हैं। जमीरें भी और इशारे भी, ये सारे के सारे इसम होते हैं। अच्छा जी, आखिरी है 20D, और इसमें हमने पूरी ग्रामर का इआदा करना है, क्विकली रिवाइज करना है। ये हमारा शॉर्ट इआदा है, हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक डिटेल्ड रिवीजन करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। कुछ चीजें हो सकता है नई भी आ जाएं आखिर में जाके, तो उनको वहां पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट लिया कि अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्से हैं, सर्फ और नहव। सर्फ कहते हैं मादे के हरूफ से अल्फाज बनाना, और नहव कहते हैं उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना या जोड़ियां बनाकर फिर उनके साथ मजीद अल्फाज ऐड करते हुए जुमले बना लेना। सर्फ और नहव की डेफिनेशन और तारीफ में आप लोग सारे क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर्फ और नहव में? सर्फ किसको कहते हैं, नहव किसको कहते हैं? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। नहव के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि लफ्जों के आखिर के मुतालिक बात की जाती है कि हर लफ्ज के आखिर में कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश, कभी तनवीन, कभी बगैर तनवीन, कभी वाव नून, कभी या नून की जो तब्दीलियां हमें नजर आती हैं, इसको भी हम नहव के जरिए सीखते हैं, समझते हैं। हर लफ्ज का जुमले में फाइल, मफूल वगैरह की मुनासिबत से कोई ना कोई महल होता है,
उसी महल की मुनासिबत और उसी महल के मुताबिक उस लफ्ज के आखिर में तब्दीलियां आ रही होती हैं। ये जो तब्दीलियां आती हैं किसी भी इसम के आखिर में, इवन फेल के आखिर में भी, तो इन तब्दीलियों की बेसिकली तीन सूरतें हैं। दो सूरतें तो इसम और फेल दोनों में पाई जाती हैं, यानी रफा और नसब। रफा और नसब की हालत इसम में भी पाई जाती है, फेल में भी पाई जाती है। जर और जजम, इसमें आकर फेल और इसम आपस में अलग हो जाते हैं कि फेल में जजम होता है, जर नहीं होती, और इसम में जर होती है, जजम नहीं होती। ठीक है, हमारा किसी फाइव में चूंकि ज्यादा फोकस इसम पर रहा है, तो हम इसम की तीन हालतें ले रहे हैं। इसम की एक इब्तदाई हालत है रफा की हालत, जैसे मुस्लिमुन सिंगुलर और प्लूरल हो तो मुस्लिमूना। नसब की हालत है मुस्लिमन और प्लूरल हो तो मुस्लिमीना। जर की हालत है मुस्लिमिन और प्लूरल हो तो मुस्लिमीना। ये हमने तीन हालतें पढ़ी। मुअन्नस के अंदर भी ऐसे ही है, मुस्लिमतुन और मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमातिन, और मुस्लिमतिन और मुस्लिमातिन। दोनों चीजों में फर्क सहन में रखें कि जब जमा मुजक्कर की बात हो रही है तो या नून रफा नसब और जर दोनों में नजर आ रहा है। जब जमा मुजक्कर की बात हो रही है तो दोनों में या नून के साथ आ रहा है, मुस्लिमीना। ठीक है, और जब जमा मुअन्नस की बात हो रही है तो दोनों जगह पर नसब और जर दोनों में जेर आ रही है, जबर नहीं आ रही। मुस्लिमातुन होगा या मुस्लिमातिन होगा, मुस्लिमातन नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, फिर हमने पढ़े चार किस्म के स्पेशल अस्मा पढ़े हैं। तीन को तो हमने डिस्कस किया है, चौथे को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सादा अस्मा थे जो हम मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, जहां तीनों तब्दीलियां सिंपल हो रही थी। फिर उसके बाद हमने पढ़े अस्माए खमसा। अस्माए खमसा पांच अस्मा थे जिनमें रफा वाव के साथ नजर आ रही थी, नसब अलिफ के साथ और जर या के साथ। वो पांच अस्मा थे अब, अख, हम, फा, फम और जू। ये पांच अस्मा, अबू, अबा, अबी, अबू, अबा, अबी। यहाँ रफा नसब और जर जबर जेर और पेश से नहीं नजर आ रहे, यहाँ रफा नसब और जर की पहचान वाव अलिफ और या है। ठीक है, आज हमने पढ़ा गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ कौन से अस्मा है? कुछ खास किस्म के इसम है जो कुछ मर्दों के नाम, कुछ औरतों के नाम, कुछ मुल्कों और शहरों के नाम, इस तरह के कुछ मखसूस वजन पर आने वाले अस्मा, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें रफा दम्मा के साथ, नसब और जर दोनों सूरतों में कसरा होता है और तनवीन नहीं होती। गैर मुनसरिफ में तनवीन भी नहीं होती और कसरा यानी जेर भी नहीं आ सकती। हालतें तीनों बदलेंगी, रफा नसब जर, हालतें तीनों बदलेंगी। गैर मुनसरिफ इसम को भी हम कहेंगे कि ये रफा है, ये नसब है, ये जर है, लेकिन अलामतें सिर्फ दम्मा या फतहा नजर आएंगी, कसरा नहीं नजर आएगी। गैर मुनसरिफ था ये। फिर हमने कहा कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कि जो किसी भी हालत में बदलते नहीं है। उसकी हमने दो चीजें जो है वो देखी थी, ये इशारे वाले अस्मा, हाजा हाजा हाजा, तीनों हालतों में एक जैसा ही है, हालतें बदल रही हैं इसकी। रफा की हालत में भी हो सकता है हाजा, नसब की हालत में भी हो सकता है हाजा, जर की हालत में भी हो सकता है। हालत बदल रही है लेकिन अलामत कोई चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, और इसके अलावा जमीरें जितनी भी हैं, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये सारी जमीरें भी जो हैं ये भी इसी तरह होती हैं कि हालतें तो इनकी बदल सकती हैं लेकिन अलामत इनकी नहीं तब्दील होती, रहती जाहिरी तौर पर एक ही तरह की इनकी शक्ल और शेप नजर आ रही होती है, कोई जेर जबर की तब्दीली नजर नहीं आती। चौथी सूरत है जिसमें ये हालत छुपी हुई होती है। छुपी हुई से क्या मुराद है? यानी हालत बदल गई, अलामत भी बदली, लेकिन वो अलामत बदलने के बावजूद छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही। अलामत बदली है लेकिन छुप गई है। क्यों छुप गई है? लफ्ज की बनावट ऐसी है कि उस बनावट के साथ उस अलामत को जाहिर नहीं किया जा सकता। मूसा मूसा मूसा, तीनों हालतों में एक जैसा नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि इसके आखिर में हम अलिफ पढ़ रहे हैं, खड़ी जबर। अगर हम इसको खोलें तो ये होगा मूसायु, मूसाया और मूसाया। तो ये या के ऊपर चूंकि कमजोर हर्फ है
और इस पर हरकत पड़ना मुश्किल है, तो इसलिए उस हरकत को खत्म कर देते हैं और पिछली हरकत के मुताबिक इसको साउंड दे देते हैं, तो ये मूसा बन गया। तीनों सूरतों में ये मूसा ही हमें नजर आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, चार हमने जुमले पढ़े। जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्ना अल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक अल्लाहुल अर्दा। यहीं पर अगर हम बात करें तो पांच सूरतें हमें नजर आई कि पांच हालतों में कोई इसम होगा तो वो रफा की हालत होगी। तो पांच हालतें थी, मुब्तदा, खबर, खबरु खाना इन्ना, का इस्मु काना, हिस्सा और फाइल। फाइल उब्लीग नायब फाइल, ये एक ही समझा जाएगा इसको, फाइल या नायब फाइल। ये पांच सूरतें हैं, इन पांच हालतों में अगर कोई भी इसम होगा तो वो नसब की हालत में होगा। ठीक है, नसब सॉरी रफा की हालत में होगा। पांच सूरतों में इसम कोई भी होगा तो वो रफा की हालत होगी। और जर की हमने दो हालतें पढ़ी हैं, हरफे जर के बाद ताल्लुक की जोड़ी और ताल्लुक की दूसरा जोड़ी का दूसरा ऐसा। हिस्सा। ये दो सूरतें हैं जर की हालत में आने की। और एक चीज हमने बात पढ़ रखी है कि जो हम सिफत की जोड़ी हमने पढ़ी है उसकी वजह से जो सिफत वाला इसम होगा वो भी पिछले की कोऑर्डिनेशन में रफा नसब ये जर ले लेगा। तो ये तीनों सूरतों के साथ एक एक ऐड हो जाएगी। रफा और जर यहां पर हो गए वाजे। आगे चलें, इसको मिटा दूं। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ी चार जोड़ियां, जार और मजरूर की जोड़ी, फिल अर्दी सिफत की जोड़ी, बैतुन कबीर उन सिफत की जोड़ी की शरायत हमने क्या पढ़ी थी। दो इसम हो, पहले इसम में ये एबिलिटी और सलाहियत हो कि उसकी कोई सिफत और क्वालिटी बताई जा सके, और फिर चार चीजों में दोनों इसम एक जैसे हों तो वो सिफत की जोड़ी बनेगी। वो चार चीजें थी, जिन्स, अदद, जिन्स, आदर, वुसअत वसत, और हालत। वसत और ठीक हाल है, यानी मुजक्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, मारिफा नकिरा, रफा नसब और जर। इन चार हालतों में, चार चीजों में, चार पहलुओं में कोई दो इसम जब एक जैसे नजर आ रहे हों और पहले इसम की सिफत बयान करना मुमकिन हो तो वो बनती है सिफत की जोड़ी। ठीक हो गया। फिर हमने तीसरी जोड़ी पढ़ी, इशारे वाली जोड़ी। इशारे वाले अल्फाज हम किसी वन में पढ़ाए थे, हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका, हाजी ही, हा उलाई, तिलका, उलाइका, ये अस्मा हो और इनके बाद वाला इसम अलिफ लाम से आई शुरू हो रहा हो। इनके बाद वाला इसम अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो तो ये बनेगी इशारे जोड़ी की जोड़ी। ठीक हो गया। चौथी जोड़ी हमने पढ़ी, ताल्लुक की जोड़ी। उसमें हमने बात की कि दो इसम हो, पहले इसम की ताल्लुक, पहले इसम का ताल्लुक दूसरे के साथ बताया जा रहा हो, पोजेशन बताई जा रही हो, और उसमें दो शर्तें थी कि जो पहला इसम है ताल्लुक की जोड़ी का उसके शुरू में अल अल भी नहीं होता, नहीं होगा और पहले इसम के आखिर में तनवीन भी अल नहीं होगी। पहले इसम की ये दो शर्तें थी, और दूसरा इसम है जो ताल्लुक की जोड़ी का उसके बारे में एक ही बात थी कि वो जर की हालत में होगा। वो मारिफा, नकिरा, वाहिद, जमा कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा जर की हालत में। ये चौथी जोड़ी थी हमारी, ताल्लुक की जोड़ी, इसको हमने कहा। फिर हमने नसब की 11 हालतें सीखी, नसब की 11 हालतें सीखी। जकरतुल्लाह किसको का जवाब, जिक्रन, क्या वही, या ताकीद का जवाब, ताअतन, क्यों का जवाब, सबाहन, कब का जवाब, खल्फल इमामी, कहाँ का जवाब, आइदन और खाइफन, इस हालत में का जवाब। ये सवाल जहन में रखें। पहला सवाल है,
किसको जकरतुल्लाह, क्या वही जिक्रन, क्यों ताअतन, कब सबाहन, कहाँ खल्फल इमामी, किस हालत में आइदन खाइफन। कितनी हो गई, पांच हो गई, 1 2 3 4 5 छ सात, बिल्कुल हाथ हो गई। उसके बाद पढ़ा हमने जिसको पुकार रहे हैं अगर वो ताल्लुक की जोड़ी हो तो या रब्बल आलमीन, जिसको पुकार रहे हैं और वो ताल्लुक की जोड़ी हो तो भी दूसरे, अभी हमने बात की कि ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम तो जो है वो जर की बिल्कुल हालत में रहेगा, तो पहला इसम जो है वो नसब में चला जाएगा, या रब्बल आलमीन। ठीक है, ये आठ हो गई। उसके बाद नौवीं चीज हमने पढ़ी, अंत खैरुन गाफिरन, किस गोशे किस में, किस गोशे में, गोशे किस पहलू से। पहलू से, किस गोशे में, ये नौ हो गए। वा आलमु अन्नल्लाहा, वा आलमु अन्नल्लाहा, ये इन्ना वगैरह का इसम, काना 10 हो गए। कान अल्लाहु की गफूरन, काना खबर, काना की की खबर, खबर। कान अल्लाहु गफूरन, आना की खबर, और पूरी जिन्स की नफी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नफ्यूल जिन्स। ला नफी जिन्स का इसम, जी ये सब की सब जो है वो नसब की हालतें हैं। इनके हमने नाम भी पढ़े हैं, जकरतुल्लाह, किसको का जो जवाब था इसका नाम क्या था, मफ़ऊल बिही, क्या जी वही या ताकीद के लिए आने वाले लफ्ज को नाम क्या दिया फूले था, मुतलक, मफ़ऊल मफूले मुतलक। मुतलक, क्यों का जवाब जो मफूले था उसको क्या नाम दिया था, मफूल लहू या मफूले अजली ही। मफ़ऊल लहू या मफ़ऊल अजली ही, कब और कहाँ, मफूल इन दोनों को एक ही नाम दिया था, क्या फी था, ही, मफूल मफ़ऊल फी फी ही। ही। क़ाइदन और ख़ाइफ़न, इनको भी एक ही नाम दिया था, क्या नाम हाल था, हाल हाल। हाल या रब्बल आलमीन, इसको क्या नाम दिया था, मुनादा मदा मुनादा मुनादा बसात मुनादा मुदाफ मुदाफ, मदाफ मुनादा मुदाफ। मुदाफ अंत खैरुन गाफिरन, इसको क्या नाम दिया था, तमीज किस गोशे में, तमयीज, तमयीज, तमीज किस तमीज गोशे में, ये सवाल अगर है तो जो जवाब दिया जा रहा है उसको कहते हैं तमयीज। और आलमु अन्नल्लाह तो अन्ना का इसम, और कान अल्लाहु गफूरन, काना की खबर, और ला इलाहा इल्लल्लाह में लाए नफी जिन्स का इसम। ये जो है वो हमने सारी जो ग्रामर है वो हमने अब तक की है। अच्छा, आगे पांच सफों के ऊपर इजरा करने से पहले हम इसको लेते हैं, जो पीछे हमने बात की थी उसकी अस्माए खमसा की, उसके बारे में मुझे याद है मैंने कहा था कि कुछ इसके बारे में शरायत कुछ आपने कुछ बतानी थी, शरायत। शरायत हैं, तो वो शरायत जो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अस्माए खमसा ये है, अब अह हम फम और दू, इनका जो हालत होगी रफा नसब और जर, रफा में वाव, नसब में अलिफ और जर में या, ये है इनके स्पेशल वाली हालत। अब इसके साथ कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें नोट कर लें जरा, मैं यहां लिखता हूं दूसरे पेज पर। शरायत नंबर 1, ये मुफ्रद हो, यानी तस्निया सिंगल या जमा ना ना हो। ठीक है, मुफ्रद से मुराद सिंगुलर हो, सिंगल सिंगल नहीं सिंगुलर, सिंगल नहीं सिंगुलर। ठीक है, मुफ्रद हो यानी वाहिद हो, वाहिद हो। दूसरी बात, ये ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम हो, अकेले ना हो,
ताल्लुक की जोड़ी के अंदर होना जरूरी है। ताल्लुक की जोड़ी का पहला इस्म हो, यानी इसको अगर मैं टर्म लिखूं आप लोगों की आसानी के लिए, तो मुदाफ हो। और तीसरी शर्त है कि ताल्लुक की जोड़ी का, जिसका ये पहला इस्म है, तो इसका दूसरा इस्म या मुतकल्लिम यानी मेरी वाला ना हो, ना हो, ना होना जरूरी है, होना नहीं। ठीक है, तस्निया मुफरद हो यानी तस्निया जमा ना हो से मुराद क्या है? अब की जमा क्या है? आबा। अख की जमा इखवा। ठीक है, तो जब ये आ जाएंगे तो अब वो वाली सूरत खत्म हो गई, अब वो वाव अलिफ और या नहीं आएगा, अब आबा उन आबा अन आबा इन इस तरह से आएगा, इसी तरह इखवतुन इखवतन इखवतिन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मैं आगे चलूं, नहीं तो पहले इसको क्लियर करें। जी नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ सर। रही, नहीं मतलब है फिर तो रफा नसब जर उस तरह बनेंगे जैसे आम आम चेंजेस होते हैं, फिर वैसे हो हाँ जाएगा। देखें, अगर ये होगा ना अबू बकरिन, ये है उस उन कंडीशंस के साथ जिन कंडीशंस के साथ हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें ये अब जो है ये वाहिद है, ठीक है, और ये ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम बन रहा है, और दूसरा इसम जो है वो बकरिन है, वो नहीं है। लेकिन अब अगर ये, अब वो जो तीन बातें बताई हैं उनमें से पहली को खत्म करें, अब सिंगुलर है ना, इसको प्लूरल कर लें, अब की जमा आबा कर दें, बाकी ये सारा सर बाकी। गैर मुनहरिफ तो रहा ही नहीं ना, फिर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ तो नहीं, रहा ही नहीं ना। हम गैर मुनसरिफ को तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे ना, ये तो अस्माए खमसा की बात हो रही है, सॉरी, अच्छा अब अस्माए खमसा की बात कर रहे हैं। तो अबू बकरिन ये एक है, अब को हमने वाहिद की बजाय जमा ले लिया, तो अब ये आबाउ बकरिन हो जाएगा, इसको नसब में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आबा बकरिन, जर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आबाई बकरिन। तो अब वो वाव अलिफ और या वाली सियो खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा, इसको हम लेते हैं सिंगल ले लें, यानी ये ताल्लुक की जोड़ी में ना आ रहा हो, सिंपल हो, अबू बकरिन, अबू खालिद, अबू हमजा, इस तरीके से ना हो, बल्कि सिंपल अब हो, तो फिर ये हो जाएगा अबुन, अबन और अबिन। दूसरी शर्त गई है। तीसरी शर्त ये थी कि ताल्लुक की जोड़ी भी है, हम तीसरी शर्त को लेते हैं कि अब भी लें, सिंगुलर भी लें, ताल्लुक की जोड़ी का पहला इस्म भी हो, लेकिन इसको या की तरफ जो है ना वो निस्बत करें इसकी, यानी मेरा उसकी बात करें, तो कहेंगे अभी, यहां पर भी आ जाएगा अभी और यहां पर भी अभी, तीनों हालतों में अभी अभी और अभी रह जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पर, वो जो हमने बात की है कि रफा वाव के साथ, नसब अलिफ के साथ और जर या के साथ होती है, वो लाने के लिए ये तीन बातें हैं, तीनों का होना जरूरी है कि सिंगुलर हो, ये लिखिए जो यानी मुफरद हो, सिंगुलर हो, और ताल्लुक की जोड़ी का पहला इस्म हो, और जिस ताल्लुक की जोड़ी का ये पहला इस्म बने हैं इनके साथ जो दूसरा इस्म है वो या नहीं होना चाहिए, कोई और हो, या के अलावा कुछ भी हो सकता है, जमीर हो सकती है अबू हु उसका बाप, अबू ना हमारे हमारे जो है वो वालिद हमारे बाप, या अबू कुम तुम्हारे बाप, अखूकुम तुम्हारा भाई, अखूना हमारा भाई, कुछ भी हो सकता है, जमीर हो सकती है, लेकिन वो जमीर वाहिद मुतकल्लिम वाली नहीं होनी चाहिए कि मेरा वा मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा ससुर, मेरा मुंह, ये नहीं होना चाहिए। आई बात कुछ समझ में? थोड़ी थोड़ी सी सर सी आई है, चले थोड़ी सी और समझते हैं। मैं इधर जुमले लिखता हूं, दोबारा बता दें, इसकी एग्जांपल दें, या एक्सक्यूज वाले मी, की लेकिन एग्जांपल। अभी तो इसमें है ना, जब ये जर की हालत में जाता है तो अबू से अभी बनता नहीं है।
जर की हालत में अभी बनते हैं, उस पर मैं आ रहा हूँ। पहले यहाँ पे मैं थोड़े से जुमले लिखता हूँ, उसको आप बनाए जी अरबी में। उसकी अरबी क्या बनाएंगे मुझे बताइएगा आप। अबू मेरा भाई आया, मैंने अपने भाई को देखा, मैंने अपने भाई को कहा, तो मेरा भाई आया, क्या कहेंगे इसको अरबी में? जा अपन जा आप भाई भाई भाई, आखी 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 जा आ जा आ आखु अहू क्यों? आखु आखु मेरा भाई है ना, जी अखी अखी आखी आखी अखी। अच्छा मैंने अपने ठीक भाई को देखा, मैंने देखा भाई, रा राई रा तू आखी रही तो अखी अखी। मैंने अपने भाई को कहा, कहा कुल तू कुल ली तो अखी ली अखी। अब देखिए तीनों सूरतों में अखी 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 आ रहा है। अब जी मेरे की बजाय अगर मैं कहता हूं, मैं और जुमला लिखता हूं, उसका भाई आया, मैंने उसके भाई को देखा और मैंने उसके भाई से सुना। नहीं कहा तुम अब बताए, जो उसका भाई आया, जा कहा जा अहू अखा 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 जा अहू हूँ अखू अखा अखी, क्या है? अखू 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 अब अखू का अखू बोलिए अखू हूँ उसका उसका भाई आया, जा ठीक है अहू, उसका मैंने उसके भाई को देखा, रही तू अखा अब क्या है? अखू अखा हूँ अखाहू अखी हूँ, क्या आएगा? हो अखो अखू हूँ क्यों आएगा, अखाहू क्यों नहीं है? मैंने भाई उसके हाल में आएगा मैंने नसब की देखा, हालत में होगा ना अखा नसब की हो हालत नसब की में हालत है ना अखाहू आएगा ना, अखा और ये जर नसब की की, हालत और यहाँ आएगा मैंने उसके भाई से सुना, समीअ समय तू मिन अखी ही तु मिन मिन अखी। अखी यहां देखें तब्दीली आ रही है, वाओ अलिफ और या, इसमें वो तीनों कंडीशंस देखें, अह वाहिद है या जमा, ये वाहिद इसको लें, ये अह प्लस हु है, तो अह राइट वाहिद है, हमने बात की वाहिद होना चाहिए, ठीक है। ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम है अकूहू, जी पहले ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम बन रहा है, से जी ठीक है। दूसरा इसम या नहीं है, तीनों शर्तें पाई जा रही हैं, तो जी ये तीन शर्तें होना जरूरी है। अख से हटकर अगर हम कोई और ले लेते हैं, हमने पढ़ा हम सुसर, अब कहना जी मेरा सुसर, तो मेरा सुसर को क्या कहेंगे? हम प्लस या, क्या हमीद बनेगा? हमी हमीद हमी। हमीद अब ये रफा हो नसब हो जर हो, तीनों हालतों में हमी ही रहेगा, मेरा सुसर, क्योंकि क्योंकि या जो है वो इसका दूसरा इसम बन रहा है, या की मजबूरी है कि उससे पहले जेर ही आए, या से पहले जबर या पेश नहीं पढ़ते हम, तो या की वजह से इसने हर हाल में इसी तरीके से रहना है, तो इसलिए ये वाला भी सूरत उससे निकल गई कि ये असमाए खमसा की
उस खास सूरत में शामिल नहीं है। अस्माए खमसा का ये जो हमने हालत पढ़ी के रफा में वाओ, नसब में अलिफ और जर में या आएगी अलामत के तौर पर, ये तीन शर्तों के साथ खास है। पहली शर्त वाहिद हो, दूसरी शर्त ताल्लुक की जोड़ी में पहला पहला इसम हो, और तीसरी शर्त दूसरा इसम या मुतकल्लिम ना हो। ये तीन शर्तें जब पाई जाएंगी, तीनों तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं होगी, तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं होगी, तो ये वाव अलिफ और या वाली जो सूरत है वो नहीं आएगी, वो तो कुछ और आ जाएगा। या तो जबर और जेर के साथ सीधा सीधा हमें नजर आ जाएगा। मिसाल दी मैंने, वाहिद की बजाय जमा ले लें, अब उनकी बजाय वाहिद की अब की जमा आबा आ जाएगी, तो अब ये आबा उन, आबा इन, आबा अन या आबा इन हो जाएगा। ठीक है, ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम नहीं है, है वाहिद ही। अब यहाँ वाहिद को मेरी ये आबा उन पहली सूरत में बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ हमने पहली शर्त को निकाला है, वाहिद को छोड़ दिया, बाकी दोनों सूरतें हैं। ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम भी बना लें इसको, और दूसरा इसम या मुतकल्लिम भी नहीं है। इन दोनों सूरतों, दोनों शर्तों के पाए जाने के बावजूद सिर्फ एक शर्त खत्म हुई है, तो ये आबा उकुम, आबा अकुम, आबा इकुम, जबर जेर और पेश से बदल रहा है। ठीक है, दूसरी सूरत में आ जाएं, पहली शर्त को बाकी रखें, वाहिद ही है अब, लेकिन ताल्लुक की जोड़ी नहीं है, तो ये बन जाएगा अबुन, अबन और अबिन, यहां पर भी जबर जेर और पेश के साथ आ जाएगा। ठीक है, पहली दोनों शर्तें बाकी हैं, तीसरी शर्त नहीं है, तो अभी, अभी और अभी, तीनों सूरतों में एक जैसा हो जाएगा, नजर नहीं आ रहा कि क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या तब्दीली नजर आ रही है। कुछ कुछ बात आ गई जहन में? ये शर्तें आपसे क्विज में नहीं पूछी जाएंगी, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को जरा ज्यादा बेहतर करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। समझ आ गई? क्विज सर जी, सर जितनी मशक करेंगे इसकी फिर ही समझ आएगी ज्यादा। में प्रैक्टिस के आपसे बाद ये ही नहीं होता है। पूछी जाएंगी शर्तें, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहीं पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाए कि अबुन लिखा हुआ है, तो आप इस पर परेशान ना हो जाएं कि हमने तो पढ़ा था अबुन अखुन हमुन, ये तो अस्माए खमसा है, इसके रफा तो वाव के साथ होता है, तो ये अबुन पेश के साथ क्यों आ रहा है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि पहली शर्त ये थी कि वो उसके बाद तीन शर्तें थी, उन तीन शर्तों में से कोई एक शर्त नहीं होगी। वो शर्त कौन सी नहीं है? ताल्लुक की जोड़ी नहीं होगी, या वाहिद की बजाय जमा आ रहा होगा, या मुतकल्लिम के साथ जो है वो आ रहा होगा, तो इस वजह से वो तब्दीली हमें उस तरह की नजर नहीं आ रही। ठीक हो फिर गया? अगर सर ये नहीं, एक भी इसमें से नहीं होगा तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये सिंपल अस्माए इसम कह रहा है, खमसा। फिर हम सिंपल इसम के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे। आम नाम तो इसका, कैटेगरी तो अस्माए खमसा ही है, लेकिन उसकी जो स्पेशल वो हालत और एराब है उसके लिए हमने वो देखना है। अच्छा, अब आ जाएं जी, वैसे हम डिटेल से करेंगे, बस ये आखिरी 5 मिनट में लूंगा आपके, फिर उसके बाद हम छुट्टी करते हैं। हमने कहा जी हालतें होती हैं रफा, नसब और जर। रफा, नसब और जर, इसको कहते हैं हालत ओब्लीक एराब। ठीक है, रफा की और नसब की, जर की वजूहात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं दोबारा से यहाँ नहीं लिखता हूँ। यहाँ हम ले लेते हैं अलामात, अलामतें क्या क्या हो सकती हैं। रफा की अलामत क्या हो सकती है, नसब की क्या हो सकती है, जर की? रफा की अलामत हो सकती है जी दम्मा पेस या डबल दम्मा, पेश या डबल पेश। फिर उसके अलावा हो सकती है रफा की अलामत नून वाओ, नून नहीं है, वाओ है सिर्फ, नून नहीं, सिर्फ वाओ। फिर उसके अलावा रफा की अलामत हो सकती है अलिफ। मिसालें दूं, पेश के साथ अल मुस्लिमु, सिंगल पेश है, डबल पेश के साथ मुस्लिम मुस्लिमुन,
ठीक है, वाव के साथ दो मिसालें आ रही हैं यहाँ पे, कौन कौन सी? मुना मीमूना अल और दूसरी, मुस्लिम दूसरी कौन सी है? अल मुस्लिम जहां रफा वाव के साथ होता है, वो मुस्लिमूना और अल मुस्लिमूना को एक ही समझे। रफा की अलामत वाव कहां पर होगी? एक तो मुस्लिमूना या अल मुस्लिमूना में है, इसके अलावा कहां पर होगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की अस्माए खमसा, मुस्लिम अस्माए खमसा अबू बकरिन, अबू ठीक है। मीम अच्छा, अलिफ रफा की अलामत कहां पर होगी? तस्निया में, यमानी मुस्लिमानी, मुमिनानी वगैरह, ठीक है, ये रफा की अलामतें हो गई। अच्छा, नसब की, ये मैं इसको जगह थोड़ी सी बना लेते हैं यहाँ पे ताकि गड़बड़ ना हो जाए आपस। नसब की अलामतें क्या क्या हो सकती हैं जी? जबर, डबल जबर, या और अलिफ और जेर या डबल जेर, बताइए जी। जबर या रफा डबल में ये जबर जो जी, अलिफ रफा में सॉरी रफा में अलिफ क्यों आया? मतलब वाओ पेश इनकी तो आवाजें और तरह है, तो अलिफ को हम रफा की हालत क्यों कहेंगे? तस्निया, तस्निया इसे वाले जो अल्फाज हमने पढ़े थे वो सिर्फ उसमें आएगा, अलिफ मुस्लिमानी। हमसा हमसा में भी तो आएगा। में तो नसब में आएगा ना, अलिफ रफा में तो नहीं है ना। अस्माए खमसा में अलिफ जो आता है वो नसब की अलामत होती है, रफा ठीक की है नहीं होती, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नसब की अलामतें जबर या डबल जबर के साथ, ये तो आम अस्मा है, मुस्लिमन या अल मुस्लिमा, या दो जगह पर नजर आ सकता है हमें, मुस्लिमीना और अल मुस्लिमीना भी इसी के साथ है। दूसरी जगह कौन सी हो सकती है? मुस्लिम मुस्लिमैनी, तस्निया वाला मुस्लिमैनी। अच्छा, अलिफ अस्माए खमसा में नजर आ जाएगा, अबा बकरिन, और ये जेर और डबल जेर ये कहाँ नजर आएगी? मोनस की जमा जब बनाते मुस्लिमातिन मुस्लिम अल मुस्लिमाति जमा मुअन्नस सालिम में, ठीक हो गया। आखिरी रह गया जर, जर की अलामतें हो सकती हैं कसरा, डबल कसरा और या फतहा, ये डबल नहीं होगा, ठीक है। फतहा जबर जो है ये डबल वाली नहीं है, ठीक है, सिंगल होगी। कहां पर आएगा जी? अल मुस्लिमी और मुस्लिमिन, सिंपल है, या तीन जगहों पर आएगा। नंबर वन मुस्लिम महीना मुस्लिमीना, नंबर टू मुस्लिम मुस्लिमैनी, और नंबर थ्री महीना तीसरी जगह जहां जर की अभी अलामत या होती है। बकर अभी बकरिन अस्माए खमसा और जर की अलामत फतहा एक जगह है, कौन सी? इब्राहिम इब्राहिमा, गैर मुंसरिफ, ठीक है। अब कोई भी इसम आएगा तो उसके बारे में तीन सवाल होंगे, इस इसम की हालत या एराब क्या है, दूसरा सवाल आएगा इस हालत उब्लीग एराब की वजह क्या है, और तीसरा सवाल आएगा हालत उब्लीग एराब की अलामत क्या है। तीन सवाल,
एक जुमला लेते हैं, जा मुस्लिमुन मा खालिदिन इस सैयारती, मुस्लिम आया खालिद के साथ गाड़ी में। अब यहां कितने इसम नजर आ रहे हैं? 1 2 3, ठीक है। तो मुस्लिम उनके बारे में कहूं, एराब क्या है तो क्या है? रफा। रफा रफा क्यों रफा है? का रफा फाइल बन क्यों रहा है, फाइल फाइल बन रहा है? अलामत क्या है? बम्मा, डबल पेश या पेश पेश या डबल पेश। इंशाल्लाह। खालिदिन के बारे में पूछूं, एराब क्या है? ये नसब की हालत में है, नसब में नसब की हालत में। खालिदिन, खालिदिन नसब है। नहीं सर, यार जर है, जर की हालत है, जर की जर हालत है। क्यों है सर। जर की हालत है? उससे पहले हरूफे जर है, नहीं, ये माँ है। मा हाँ, तो यहाँ पे नहीं जर नहीं ये नहीं है, हरूफे जर नहीं, ये मा। तो इसम इसम जमा जरफे जमा ये है। क्या बनता है? ये ताल्लुक की जोड़ी बन रही होती है जब भी ये आते हैं, मा और आइंदा वगैरह। तो ये ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम है। अलामत कसरा। इस सैयारती कौन सी हालत है? ये जार जर। मजरूर, जर है। जार क्यों मजरूर, है? जर की वजह क्या है? जी, जार मजरूर सी है। हरफे जर, और जर की अलामत कसरा। ठीक है, अब इसमें मजीद अगर ऐड करें तो जा मुस्लिम उन मा खालिदिन फिस सैयारती, हम कह दें इसको माशियन। माशियन कहते हैं, बल्कि नहीं, गाड़ी में पैदल कैसे आ सकता है? फिर सैयारती नहीं, बिसुरातिन बिसुरातिन तो हो चुका है ना, वो हरफे जर वाला हो गया है। बशीरन कह देते हैं, चले खुशखबरी सुनाने वाला है, बशीरन। तो बशीरन का एराब करें, आया मुसलमान आया है खालिद के साथ गाड़ी में खुशखबरी सुनाने वाला, इस हाल में कि वो खुशखबरी सुनाने के लिए आया है, बशीरन। तो अब इस बशीरन का एराब है नसब। नसब की वजह है कि ये मुस्लिम उनकी हालत बता रहा है कि वो आया जब, तो उस हालत में आया कि वो बशीर है, खुशखबरी सुनाने वाला है, हालत बता रहा है। और जो अलामत है वो फतहा नजर आ रही है। इस अंदाज से अब आ जाए जरा स्लाइड्स को देखते हैं, और वहां पर हम बस ये आखिरी 2 स्लाइड्स को हम देख लेते हैं, बाकी आप बुक्स पर देख लीजिएगा, उसमें जो हम देख रहे हैं। इफ कहला रब्बू का, रब्बू रफा की हालत में है क्योंकि काला का फाइल है। ठीक है, अंडरस्टैंड, साथ साथ जहन में आता जा रहा है, तो जो है ना वो ओके करते जाएं ताकि मैं क्विकली जरा आगे चल लूं। लिल मलाइकती, मलाइकती ली हरफे जर की वजह से, जर की हालत में है। ठीक है, फिल जी अर्दी, फी के बाद हरफे जर, हरफे जर के बाद अल अर्दी, जमीन में है, जी जार जर मजरूर की की हालत जोड़ी में तो है, ये जर जार की हालत में आ गई। की हालत होगी। और खलीफतन नसब की हालत में है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम पढ़ लेंगे आगे। जाइलुन जो इसमें फाइल था उसका ये जो है वो मफूल बन बन रहा रहा, है, मफूल बन मफूल रहा है, मफूल बन इसमें रहा है। फाइल का मफूल बन रहा है। इसको फिलहाल हम डिटेल में अभी नहीं जाते, आगे चले। यस्फिकु दिमाआ, यस्फिकु वो बहाएगा, अद्दिमाआ खून, नसब की हालत है क्योंकि ये यस्फिकु फेल के लिए क्या बन रहा है? मफूल मफूल, मफूल भी बन रहा है। बिहम्दी मफूल का, भी बिहम्दी का, बिहम्दी बा हरफे जर के ये बाद हम्दी, जर के तो जर की जर की हालत में हालत आ में गया। आ गया। अल्लामा आदमा, अल्लामा उसने सिखाया, उसने आदमा सिखाया किसको? आदम को, तो किसको का जवाब है आदमा। ठीक है,
अल असमा, ये भी किसको या क्या का जवाब है कि अच्छा उसने सिखाया आदम को, क्या सिखाया, असमा सिखाई, तो ये अस्मा दोनों विभिन्न मफूल नसब भी में ही है, दोनों नसब में बिल्कुल चले गए। अल मलाइकती, आला हर्फ जर के बाद अल मलाइकती जर की हालत में आ रहा जर है। की हालत ठीक है अम्बिउनी बी असमाई, बी हर्फ जर के बाद असमाई जर की हालत जर में की आया है। हालत में ठीक हो गया कुन तुम सादिकीना, ये कौन सी हालत है, नसब है जर, सर। ये सादिकीना, काना 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 वाले के साथ तो ये वो आ गई उसकी खबर आ गई। की खबर है सादिकीना, इसलिए नसब की हालत है। तालु सुबहाना का ला इल्मा लाना, ये इल्मा नसब की हालत है, क्यों, इसलिए कि ला की वजह उसका से नहीं नहीं ला की वजह से नहीं कहा ऐसे होने का पाक है तो ये आलू उसका लाइन सर लाइन नफी नफा जेंस जिन्स लाइन नसब, नफी जेंस लाइन की वजह नफी से है जिन्स नसब ला का कोई इल्म नहीं है, इस कोई लाइन नफी लाए जिन्स का इसम है, लाए ला इल्मा, लाए हमें नफी कोई के इल्म लिए नहीं है। ठीक है, इन्नका अंता अल अलीमु अल हकीमु, ये इन्ना की खबरें आ रही हैं, अल अलीमु और अल हकीमु ठीक दोनों हो गया इन्ना की खबरें हैं, इसलिए सर। दफा की हालत में। ठीक है, पिछली साइड में इन कुंतुम स्वादिकीन जो था सर उसको अगर फिर से डिफाइन करते हैं आप ये पिछली साइड में इन तो इन हो गया कुंतुम ना, इन इन तो शर्त वाला लफ्ज हो गया ना, वो तो कुछ भी नहीं करता इसम के साथ, तो वो जी कुछ भी नहीं करेगा। कुंतुम जी सादिकीना को देख लें, कुंतुम सादिकीना को हम अगर थोड़ा सा मतलब मजीद वजाहत से लिखें तो ये है, काना का और इसम बनेगा तुम, और सादिकीन बनेगी खबर ठीक सादिकीना जो है वो काना की खबर हो जाएगी। ठीक है, ये जो जी तुम है ना, सर कुन तुम, कुन तुम में तुम, ये जो तुम है ये काना का इसम बन जाएगा और सादिकीना काना की खबर, राइट। आगे चलूं, जी सर सर सादिक 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 जो है वो सादिकून या अच्छा ठीक है सादिकीन ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है हो गया, चलूं आगे। जी सर अच्छा चल, यहाँ पे थे हम, बी अस्माइहिम, बी अस्माइहिम दोनों जगह हर्फ जर की वजह से ये अस्माई जर की हालत जी में है। इन्नी आलमु गईबा, गईबा नसब की हालत में, क्यों, सर ये भी इन्ना का बंदा इन्ना का क्या बन ये रहा है। खबर इन ये मैं जानता हूँ मैं आलम हो रहा, सर आलमों में वो फेल बनेगा और गईबा अना वाला मुंह जो है वो उसका बनेगा फाइल और ये उसका मफूल बनेगा इसलिए जो है वो आलमु फेल का मफूल बन रहा है, मफूल बन रहा इसलिए है जी नसब की मफूल हालत है। जी जी ठीक है इसे अच्छा, नसब आपने हालत देखनी है ना किसी भी इसम की, तो जी जी इसमें ये जहन में रखिए कि पीछे वाले जो अल्फाज हैं उसके साथ उसका ताल्लुक चेक करें। जी कोई भी इसका इसम रफा नसब जर में आ रहा है तो उसके रफा नसब और जर की वजह जानने के लिए आप उसका पीछे वाले अल्फाज के साथ ताल्लुक जोड़ेंगे कि पिछले लफ्ज के लिए ये क्या बन रहा है। सर इसी तरह गैबत समावाती तो ये उसके ताल्लुक की जोड़ी बन गई इसलिए अच्छा, ये उसमें जर समावात में को आ गए देखना है तो समावात को गैब के साथ मिलाएंगे कि ये गैब के लिए गैब क्या बन रहा है। के ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा ताल्लुक इसम है की इसलिए जोड़ी का जर में आ दूसरा गया इसम है इसलिए जर में आ समावाती, गया इसलिए जर में इसलिए आ जर गया की हालत है। वाव के वास्ते और से फिर अल्फाज भी गैब के वो साथ भी जर ही में है, आ गया जी तो भी ठीक जर है में आ, ठीक है। और कुलना लिल मलाइकाती, वो जार में की ली वजह से हर्फे जर के बाद, हर्फे जर की वजह से जी ली आदमा, ये ये भी कौन हर्फे सी जर हालत की है, ये भी सर जर की हालत है ली की वजह से जी ली की वजह से जर की हालत है, लेकिन यहाँ जर की अलामत क्या है, जबर है कसर जबर है, क्यों, क्यों, जबर है क्यों फतह जबर सर है, मुनसरिफ गैर आदम, मुनसरिफ गैर गैर मुनसरिफ मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ की कौन सी कैटेगरी है ये आदमा, सर वो जो सर नबियों अंबिया के जो नाम है नाम थे अंबिया के लाइन नाम, नफी जी मैं अलाए नफी नहीं है, ली हर्फ जर के बाद आदमा है और आदमा नबियों के नामों में से एक नाम है और अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं और ये गैर जेर मुनसरिफ नहीं लेते अस्थाय, गैर मुनसरिफ के आखिर में जेर नहीं आती।
इल्ला इबलीस है, ये एक स्पेशल कायदा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्यूसी 6 में। और मिनल काफिरीना, मिन हर्फ जर के बाद अल काफिरीना जर की हालत में आ रहा है। तो इसी तरह ये बाकी भी सारी आयात हैं, ये रेंडमली उठाई गई हैं मुख्तलिफ जगहों से, कुछ भी आयात हैं। तो आप जो है वो पहले पारे की जो सारी आयात हैं शुरू से, इसी तरीके से जर वाली, रफा वाली, नसब वाली जो इसम नजर आ रहे हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। पूरा हफ्ता है आप लोगों के पास, और उसमें जो है ना वो ढूंढें, उसको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कोई इसम रफा में है, कहाँ नसब में, कहाँ जर में, और उसको जो है वो फिर आपस में डिस्कस करें ग्रुप पर भी कि रफा में है तो रफा क्यों है, नसब है तो नसब क्यों है, जर है तो जर क्यों है। लेकिन चुनने आपने सिर्फ वो वाले इसम है जहां पर आपको अलामत बदलती हुई नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे अस्मा को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऊपर या आदमू में, या आदमू को छोड़ा हुआ है, नहीं जिक्र किया कि या आदमू पेश के साथ क्यों लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जो चीज आपने नहीं पढ़ी उसको छोड़ दें, जो पढ़ चुके हैं उन सारी चीजों को कोशिश करें कि सारी चीजें जो है वो आप उसको ढूंढ ले जहां जहां नजर आए। पूरा पहला पारा अगर देख सकें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम अज कम जो जो क्यूसी 5 के अंदर जो हमने आयात पढ़ी है उनमें तो लाजमी ढूंढ ले सारी, देखेंगे ठीक है, क्योंकि आपका जो क्विज होने वाला है वो इसी बेस पर होगा। जो भी आयात दी जाएंगी तो उसमें फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे ये आयत अगर दे दी जाती है ये वाली, क्या आदम उसको नंता वजू कल जन्नता फकुला मिन्हा रगदन, रगदन जो है ये क्यों नसब की हालत में आ रहा है, ठीक है, और अच्छा फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, अज़्ज़ालिमीन जर की हालत में है, क्यों आ रहा है जर की हालत में, मिन इससे पहले मिन रगदन का जवाब नहीं आया, रगदन क्यों है नसब की हालत में, पहलिया फेलिया जुमला था। जुमला था, ठीक है। तो फेलिया जुमले के बाद नसब में आने वाले हालतें बहुत सारी होती हैं, ये उनमें से कौन सी है, मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल मुतलक, किसको, गोश कहाँ, कैसे, क्या, ये कौन सा आएगा, हाल बस लगता है, हालत हालत क्या, हालत बता रहा है जी, फकुला बता रहा मिन्हा, और तुम दोनों खाओ उसमें से, किस हाल में खाओ, बाफरागत रिलैक्स होके खाओ, से रगदन बाफरा सर जी भर के खाओ, तो जी भर के ठीक है। हालत और बता रहा है, ठीक है जी। तो इसके साथ हम क्लोज करते हैं आज का सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 5 कोर्सेज पढ़ लिए हैं, सर्फ और नाव के बुनियादी फवायद सीख लिए हैं, तो कुरान पढ़ने का सिलसिला जारी रखने के साथ मजीद ग्रामर भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, क्यूसी 6 में जाएंगे। तो क्यूसी 6 में बेसिकली नई ग्रामर बहुत थोड़ी होने वाली है, ज्यादातर चीजें जो है वही होंगी कि जो आप क्यूसी 1 से लेकर 5 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को जरा जो ट्रेडिशनल अंदाज है पढ़ने का, जैसे हमने अभी तो बातें की ना कि ये जोड़ियां हैं, ताल्लुक की जोड़ी है, जार मजरूर की जोड़ी है, इनके नाम अगरचे मैंने आप लोगों को बताए हैं साथ साथ कि इसको मुदाफ मुदाफ इलैह कहते हैं, इसको मौसूफ सिफा कहते हैं, तो लेकिन अभी के लिए ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपसे सवाल इस अंदाज से नहीं होगा कि मुदाफ मुदाफ इलैह, लेकिन क्यूसी 6 में जाकर हम इन्हीं टर्म्स के साथ सारी ग्रामर को पढ़ेंगे भी, और जो आयात रोजाना पढ़ रहे होंगे उस पर फिर इंशाल्लाह आप लोग खुद अप्लाई किया करेंगे। तो इस सिलसिले को हमने छोड़ना नहीं है, जारी रखना है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ मांगते इंशाल्लाह रहा करें कि अल्लाह आपने मौका दिया है कि हम कुरान को पढ़ सकें, सीख सकें, हमारे लिए आसानी पैदा फरमाएं, हमारे वक्त में बरकत हो, हमारी सलाहियत में और जहन में बरकत हो, कि हमें चीजें समझ में आए और हम उसको फिर अपनी अमली जिंदगी में ला सकें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सबसे इजाजत, दुआओं में याद रखिए, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम असलम सर, बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैरन कसीरा, आपने इतनी मेहनत से इतनी जान लगा के बताया। सर क्यूसी 3 के बाद 5 मुश्किल है।